जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज़ में जिसमें हम PT 365 विजन IS का कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने पॉलिटी और एनवायरनमेंट का डाल दिया है। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसको कवर करने वाले हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है जहाँ पर मैंने बताया है कि 2023 के एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। इसमें बायोटेक्नोलॉजी आता है, नैनो टेक्नोलॉजी आता है, हेल्थ आता है, डिफेंस आता है, इसरो, ये सब जो रिलेटेड इश्यूज़ है वो आते हैं, है ना। तो ये सारे जो इश्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट जाते हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है, जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ है, उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। और प्लस हैक भी मैंने बताए थे कि अगर आपको इसके बारे में स्टेटमेंट्स के बारे में जानकारी ना हो तो कैसे आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैंने वहाँ पर बताए हुए हैं जिससे कि आपको लगभग समझ लीजिए 20 से 30 मार्क का फ़ायदा ज़रूर होता है। और 20 से 30 मार्क का फ़ायदा मतलब समझ लीजिए आपका सिलेक्शन जो है वो तो पक्का ही हो जाता है। तो यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर भी 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। मतलब समझ लीजिए कि 20 से 24 मार्क जो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिलाता है। काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हमें ये जो सिलेबस है, मतलब सिलेबस नहीं बोल सकते हैं लेकिन जो टॉपिक जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफ़ी प्रेडिक्टेबल है, रिस्ट्रिक्टिव है। अब देखिए, शुरू करने से पहले IAS का कंप्लीट पैकेज प्रीलिम्स मेंस आपको देखने को मिलेगा MM Academy ऐप पर। आपको GS पेपर 1 के आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, कंप्लीट GS 1, कंप्लीट GS 2, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, GS 3, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इंटर सेक्टर डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, GS 4, एथिक्स, और उसी के साथ साथ बोनस कोर्सेज जो है इंडिया ईयरबुक, आंसर राइटिंग कोर्स, पर्सनल गाइडेंस, मॉक टेस्ट, सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे आपको डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको साइन अप करना होगा। आप डेमो लेक्चर जो है हर सेक्शन में जाकर पहले 2 लेक्चर जो है एज अ डेमो लेक्चर आप देख सकते हो। देन उसके बाद प्रोफाइल में जाओगे तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल जो है वो ऑप्शन नजर आएगा। उसमें आपको वेरियस प्लान्स दिखाई देंगे, 3 महीने के, 6 महीने के और 2 साल के कोर्स पर डिस्काउंट है। आपको प्लान परचेस करना है और कोर्सेज को एंजॉय करना है। तो जल्द से जल्द इसमें स्कोर करना भी काफी अच्छा हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, काफी सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी सबसे पहले आता है, उसमें इतने सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। देन उसके बाद यहाँ पर IT, कंप्यूटर, देन उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो हमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी देखने को मिलते हैं, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है यहाँ पर। अल्टरनेटिव एनर्जी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है जो यहाँ पर हम कवर करेंगे। साथ ही साथ मैं भी यहाँ भी आपको बताता हूँ कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उस तरीके से आप यहाँ पर पढ़ाई अपनी कर सकते हैं और मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो शेयर करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। चलिए सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर जो बायोटेक्नोलॉजी है उस पर। बायोटेक्नोलॉजी में आता है सबसे पहले जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए थोड़ा बैकग्राउंड, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन जनरल आप इंफॉर्मेशन रखिए, ठीक है। आपको यहाँ पर PhD नहीं करनी है कि भाई आप बैठ गए, जो एमेच्योर एस्पिरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो PhD करने लग जाते हैं। क्या है यहाँ पर जेनेटिक, जेनेटिक मतलब क्या, अरे बाप रे पूरा डीप में जाओ। मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन मतलब क्या, डीप में जाओ। देन जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या, डीप में जाओ। आपका आउटर लेवल पर पता रहना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर IAS बनने के लिए, IPS बनने के लिए आए हुए हो, जहाँ पर एक बार आप बन गए तो आपको आपके आगे पीछे 10-15 लोग घूमेंगे। अगर आप किसी भी इस पर जा भी रहे हो किसी काम से रिलेटेड जिसमें इसका काम है, तो 10-12 लोग आपके साथ रहेंगे जो एक्सपर्ट रहेंगे। आप यहाँ पर जर्नलिस्ट बनने वाले हो तो जर्नलिस्टिक अप्रोच जो है वो भी आपको यहाँ पर रहना ज़रूरी है और वही एक्सपेक्ट किया जाता है। इसलिए PhD मत कीजिए एग्ज़ाम के लिए, जो रेलेवेंट है एग्ज़ाम के लिए, जो इंपॉर्टेंट है उतना पढ़िए, उतना ध्यान दीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अब देखिए जब भी हम पैदा होते हैं तो अक्सर जो माँ बाप होते हैं, जो दादा दादी होते हैं, जो नाना नानी होते हैं, वो बच्चे का जो चेहरा होता है, जो फीचर्स होते हैं वो मैच करने में लग जाते हैं कि ये नाक किससे मिल रही है, आँख किससे मिल रही है, होंठ किससे मिल रहे हैं, है ना। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो मैच करने में लग जाते हैं। प्लस कई बार हमने देखा है कि अगर माँ बाप की जो हाइट है वो काफ़ी बड़ी है तो जो बच्चे होते हैं उनकी भी हाइट बड़ी होती है, जो माँ बाप है उनकी हाइट छोटी है तो बच्चों की जो हाइट है वो भी छोटी रहती है। देन उसके बाद कई बार हमने देखा हुआ है कि जो कलर होता है, स्किन कलर, वो भी उसी तरीके से अफेक्ट करता है। अगर माँ बाप गोरे हैं तो बच्चे जो है वो भी गोरे होते हैं। अगर माँ बाप में से किसी की स्किन डार्क है तो फिर जो बच्चा है उसकी भी स्किन कभी कभार डार्क निकलती है, और जब डार्क निकलती है तो कई बार कहा जाता है कि पापा पे गया है, मतलब स्किन जो है जिस तरीके से रहेगी उस तरीके से वो गया है या गई है। उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना,
बॉडी स्ट्रक्चर वो यहाँ पर काफ़ी ह्यूज है किसी किसी का, कई बार अगर हम देखें तो ह्यूज नहीं है। अगर हम चाइना साइड जाते हैं तो आँखें जो है वो छोटी छोटी हमें देखने को मिलती है, वही अगर हम अफ्रीका साइड जाते हैं तो एकदम बॉडीली स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली क्यों होता है? ये जो है ये जीन पास होते हैं, ये जीन पास होते हैं, तो मतलब इसका कनेक्शन जो है वो होता है डीएनए से, वो होता है डीएनए से। मतलब इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए, जो डीएनए है वो तय करता है कि हम यहाँ पर कैसे होने वाले हैं। मतलब हमारा दिमाग कितना रहने वाला है, हमारी आँखें किस तरीके से रहने वाली है, हमारे होंठ किस तरीके से रहने वाले हैं, हमारे हाथ पैर किस तरीके से रहने वाले हैं, तो ये सब कुछ तय करने वाला होता है डीएनए। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं ना ये तेरे डीएनए में ही है, है ना, ये चीज़ करना है तेरे डीएनए में ही है। तो ये बेसिकली क्या है, डीएनए मतलब क्या है कि ये चलता जाता है, ये चलता जाता है। माँ बाप से जो डीएनए है वो बच्चों में आते हैं, बच्चों से उनके बच्चों में जाते हैं, तो ये डीएनए आगे बढ़ता जाता है और यही तय करता है। ये समझ लीजिए कि ये पूरा आपका मेन पीसीयू है, मतलब ये तय करेगा किस तरीके से आपका जो भी फीचर्स है वो किस तरीके से रहेंगे। और हमें डीएनए, हमने बचपन से देखा हुआ है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है डीएनए का हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और इसी को अगर हम आधा तोड़ दे, ठीक है, आधा तोड़ दे इस साइड का अगर हम देखें तो उसे हम क्या कहते हैं, आरएनए कहते हैं। तो बेसिकली क्या है, डीएनए जो फुल है और आरएनए जो हाफ है, है ना, डीएनए बताता है आरएनए को, एंड देन उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें जो है, सारी प्रोसेस जो है हमारी बॉडी में वो होती है, उसके डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सोचिए कि ये जो डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, अब ये डीएनए बेसिकली क्या कर रहा है, ये तय कर रहा है कि आप कैसा रहने वाले हैं, है ना, आप कैसा रहने वाले हैं, आपकी आँख कैसी रहने वाली है, आपके हाथ पैर कैसे रहने वाले हैं, आपकी हाइट कैसे रहने वाली है, प्लस आपका ढांचा जो है वो किस तरीके से रहेगा। जैसे मैंने आप ढांचों के बारे में एग्जांपल दिया, अफ्रीका का ह्यूज होता है, ऑस्ट्रेलिया का ह्यूज होता है, वही अगर हम चाइना साइड जाएंगे तो थोड़ा शॉर्ट होता है, है ना। तो कैसा रहने वाला है ये भी कौन तय करता है, डीएनए तय करता है। मतलब आपका सब कुछ डीएनए जो है वो यहाँ पर तय करता है। तो अब सोचिए कि अगर मेरे शरीर में मुझे चाहिए कि मेरी आँखें जो है वो इस पर जाए किसी व्यक्ति पर, वो मतलब बेसिकली व्यक्ति मतलब पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं, लेकिन उस रीजन में जिस तरीके से आँखें रहती है वैसी हो, देन उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो मेरा हाइट है वो पर्टिकुलर जो रीजन है उनके जैसी हो, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा दिमाग जो है वो उनके जैसा तेज़ हो, तो ये इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें ये जो डीएनए है इसमें मैं छेड़छाड़ कर सकता हूँ। डीएनए में मैंने छेड़छाड़ कर दी, अब जो पर्टिकुलर, मैं एकदम आसान शब्दों में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, टेक्निकलिटी में हम जाने वाले नहीं हैं। अब सोचिए कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन तय कर रहा है मेरी आँखें किस तरीके से रहेगी, तो इसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा, चेंज कर दूँगा। अब कभी कभार क्या होता है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारे अंदर कुछ पर्टिकुलरली बीमारियाँ आती है, ठीक है, वो भी डीएनए जो है उसके थ्रू हमें देखने को मिलती है। तो अब सोचिए कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर बीमारी है जो मुझे पूर्वजों से मिली है, अब ये जो बीमारी है ये यहाँ पर है, तो इसको अगर मैं कट कर दूँ, ठीक है, इसको अगर मैं मॉडिफाई कर दूँ, तो मतलब क्या होगा, मतलब यहाँ पर उस बीमारी से भी मुझे छुटकारा जो है वो मिल सकता है। तो बेसिकली क्या है, बेसिकली बात ये है, इन शॉर्ट जो मुझे आपको बताना है कि डीएनए जो है वो सब कुछ तय कर रहा है, वो प्रोग्रामिंग कर रहा है कि आप कैसे रहने वाले हैं। अब उसको अगर हम मॉडिफाई करते हैं, उसको अगर हम चेंज करते हैं, तो हम हमारे अकॉर्डिंग जो रिजल्ट्स हैं हमारे शरीर में वो पा सकते हैं। अब ऐसे कई बार इंस्टेंसेस हमें देखने को मिले भी है जहाँ पर जो बेबी है उसमें डीएनए चेंज करके एक अलग ही जो चीज़ है, मतलब बेसिकली क्या है कि उसको काफ़ी अलग तरीके से, जिसमें कोई तकलीफ ना हो, कोई शॉर्ट हैंड ना हो, उस तरीके से बनाया गया है, उसको डिज़ाइनर बेबी भी कहा गया है कि भाई डिज़ाइन ही किया गया ना बेबी, तो है ना, बेबी जो है वो तो डिज़ाइन ही किया गया है। तो इसमें काफ़ी मॉरल जो पर्सपेक्टिव है वो भी आता है, इसलिए इसमें नहीं लिया जाता है। लेकिन इन शॉर्ट जो बताना है कि जेनेटिक्स जो मॉडिफाई किए जाते हैं उनको जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है वो कहा जाता है। जीन्स जेनेटिक्स मॉडिफाई करना मतलब हमारा जो इन शॉर्ट डीएनए है उसमें मैनिपुलेशन करना, उसमें चेंजेस लाना, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब ये क्यों किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, अब जैसा मैंने आपको कहा कि आपका पूरा ढांचा जो है वो बेसिकली किस तरीके से होता है, जिस तरीके के आपके मम्मी पापा के डीएनए हैं उस तरीके के, बराबर है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार ऐसा होता है, समझ लीजिए अभी इंडिया है, ठीक है, अभी इंडिया का जो वेदरिक कंडीशन है वो काफ़ी, समझ लीजिए, एक्सट्रीम हो रहा है, वगैरह
ठीक है, एक्सट्रीम होता जा रहा है, जहाँ पर जो इक्वेटोरियल रीजन है वैसा अगर एटमॉस्फेयर इंडिया का बनता जा रहा है, तो मतलब अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो अफ्रीका में लोग रहते हैं वो इसको बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि उनको तो आदत ही इक्वेटोरियल रीजन में रहने की, लेकिन जो इंडियंस है क्या उनको आदत है? नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या चाहिए हमें, जो अफ्रीकन लोगों में डीएनए है उस तरीके का डीएनए चाहिए जिससे कि हम भी उनके जैसा बर्दाश्त कर सकें। तो इन शॉर्ट जो बीमारियाँ हैं, जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है ना, ये सब को हम सह सके इसके लिए हमारे जीन में हम मॉडिफिकेशन करेंगे जिससे कि हम यहाँ पर सर्वाइव कर सकें। उसी तरीके से जैसे हम हमारे ह्यूमंस का मैं बता रहा हूँ, वैसे प्लांट्स का भी होता है, प्लांट्स में भी अलग अलग बीमारियाँ होती हैं, तो प्लांट्स में भी जीन्स होते हैं, उनमें भी हम मॉडिफिकेशन करके उनको ऐसा बना सकते हैं कि वो कुछ पर्टिकुलर बीमारियों के लिए प्रोन हो जाए, मतलब प्रोन नहीं, वो रजिस्टिव हो जाए कि वो बीमारियाँ उनको नहीं होगी, ठीक है। तो बेसिकली अब आपको जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जो आसान शब्दों में समझ में आ गया है, हमारे जीन्स को मॉडिफाई करना, हमारे डीएनए को मॉडिफाई करना। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ये टेक्नोलॉजी है, डायरेक्ट मैनिपुलेशन होता है डीएनए का बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। इसमें प्लांट्स भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, जिनमें डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स लाया जा सकता है। जो मैंने आपको कहा कि भाई कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको चाहिए, आपको बेसिकली समझ लीजिए आपको एड्स जो है वो नहीं होना चाहिए, आपको जो बुखार है वो नहीं होना चाहिए, है ना, आपकी आंखें जो है वो ऐसी रहनी चाहिए, आपके होंठ वैसे रहने, तो ये बेसिकली क्या है, आपको डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो लेने के लिए काम आता है। मेजर अप्रोचेस अगर हम देखते हैं तो इसमें क्रिस्पर 9 हमें देखने को मिलता है। तो क्रिस्पर 9 कई बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि क्या है, तो ये बेसिकली क्या है, आपके डीएनए को मॉडिफाई करने के लिए। देन उसके बाद साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब साइड डायरेक्टेड क्या है ये आगे हम देखने वाले हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर होमिंग एंडोन्यूक्लियस या फिर मेगा न्यूक्लियस ये भी हमें देखने को मिलता है। अब इससे रिलेटेड जो जीन्स है ये कोई भी डिज़ाइन ना करने लग जाने, तो हर बेबी जो है वो डिज़ाइनर बेबी बन जाएगा। हर कोई चाहता है मेरा बच्चा जो है वो काफ़ी स्ट्रांग रहे, मेरा बच्चा जो है उसकी रेस्टी पे बाबा स्ट्रांग रहे, मेरा बच्चा जो है बहुत होशियार रहे, मेरे बच्चे के आँख नाक बहुत खूबसूरत हो, मेरे बच्चे के बाल बहुत खूबसूरत हो, मेरे बच्चे की हाइट जो है वो ऐसी फलाना फलाना रहे, तो ये जो है ये तो पूरा डिज़ाइनर बच्चा बन जाएगा। और इसमें मॉरल जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो आते हैं कि भाई फिर अस्तित्व ही मिट जाएगा ना, फिर तो यहाँ पर जो इंसान है वो भी हर कोई इंसान परफेक्ट बन के निकलेगा। तो इसीलिए लॉज एक्ट्स प्रोसीजर्स, प्लस ऐसा भी होता है कि प्लांट्स में अगर आप मॉडिफिकेशन लेकर आ जाओ कि ये प्लांट इस तरीके से ग्रो हो, ये जो प्लांट है पर्टिकुलर समझ लीजिए आम का पेड़ है, आम का पेड़ साल में अगर 100 आम दे रहा है तो ऐसे कुछ मॉडिफिकेशन कर दो जिससे कि वो 500 आम देना शुरू कर दे, है ना। ऐसी गाय में मॉडिफिकेशन कर दो जिससे कि वो 15 लीटर की जगह हर 100-100 लीटर जो है दिन का देना शुरू कर दे, कुछ भी किया जा सकता है। तो इसी वजह से लॉज जो है वो गवर्नमेंट ने यहाँ पर लाए हुए हैं। इसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट देखने को मिलता है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट देखने को मिलता है, सीड्स एक्ट देखने को मिलता है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ फार्मर्स राइट देखने को मिलता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड देखने को मिलता है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं जीनोम एडिटिंग, वही सेम है, जीनोम जो है उसको यहाँ पर बेसिकली एडिट जो है वो किया जा रहा है। तो इसमें क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, क्रॉप्स यहाँ पर क्रॉप्स मतलब यहाँ पर अब प्लांट्स की बात हो रही है, जिनके जीन्स यहाँ पर मॉडिफाई किए गए हैं, बेसिकली जिनके डीएनए में यहाँ पर चेंज किया गया है, और उनको पर्टिकुलर इसके लिए मतलब पर्टिकुलर कोई डिसीजेस होते हैं जो प्लांट्स में होते हैं जिनको प्लांट्स को ख़राब कर देते हैं, उनको यहाँ पर उसके लिए इम्यून बनाने का काम यहाँ पर किया जाता है। आपने देखा होगा बीटी ब्रिंचल, बीटी कॉटन, है ना, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो रिसेंटली जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उन्होंने गाइडलाइंस इशू की है। अब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायो एंड टेक्नोलॉजी मतलब हम यहाँ पर जो नैसर्गिक टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, नैसर्गिक चीज़ों को टेक्नोलॉजी के थ्रू किस तरीके से हम चेंज ला सकते हैं उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है, सपोर्टिंग रिसर्च इन लाइफ साइंस। लाइफ साइंस जो है हमारा, जो हम जिंदगी बिता रहे हैं, अलग अलग जो एनवायरनमेंट हम पर इम्पैक्ट कर रहा है उसके बारे में रिसर्च करना, है ना, एंड लार्ज स्केल यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसमें क्या है, R&D को सपोर्ट करना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोलॉजी, यूनिवर्सिटी एंड इंडस्ट्री इंटरेक्शन, बायोसेफ्टी गाइडलाइंस जो है उसको यहाँ पर देखना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। गाइडलाइंस यहाँ पर जो है उन्होंने एग्जम्प्ट किया है जीनोम एडिटेड प्लांट्स फॉलिंग अंडर कैटेगरीज ऑफ साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस 1 एंड 2।
अभी साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस 1 एंड 2 क्या है ये डिटेल में हम आगे देखने वाले हैं, बस आप इतना अभी समझ लीजिए कि STN1 एंड STN2 जो है इनको एग्जम्प्ट कर दिया गया है, इनको एग्जम्प्ट कर दिया गया है, ठीक है। मतलब यहाँ पर इसमें कोई रोक टोक जो है वो निकाल दी गई है। इसमें एक 3 भी आता है जिसमें हमें रोक टोक जो है वो देखने को मिल रही है कि आप इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। एंड देन यहाँ पर जो सेफ्टी असेसमेंट एंड जीनोम एडिटेड प्लांट्स, इसमें है कि भाई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यहाँ पर लाया जाए, प्रॉपर गाइडेंस जो है वो दिया जाए, साइंटिफिक गाइडेंस जो डेटा रिक्वायरमेंट है उसके लिए। एंड देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो BT कॉटन यहाँ पर, इसमें भी इसको बेसिकली मॉडिफिकेशन किया गया है, ये GM क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। और ये जो सॉइल बैक्टीरियम है, ठीक है, उससे यहाँ पर किया गया है जिससे कि प्लांट को प्रोटेक्ट किया जाए जो पेस्ट अटैक है उससे, ठीक है। तो और ये इकलौता ऐसा अप्रूव्ड कमर्शियल कल्टीवेशन है कि आप इसको कमर्शियली कल्टीवेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब आपको ये सारी जो चीज़ें पढ़ना है इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा या आपके दिमाग में कुछ इतना ये नहीं होगा जितना आपको एडवांटेज और कंसर्न से होगा। तो एडवांटेजेस क्या है GM क्रॉप्स का, कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है। अब कैसे प्रोडक्टिविटी, भाई ये तो सीधी सीधी बात है ना कि हम ऐसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं जिससे कि उनको बीमारियां नहीं होगी, तो मतलब उसका प्रोडक्शन जो है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। फूड सिक्योरिटी, क्योंकि उनका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो हमारे पास ज़्यादा अनाज होगा, फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी। जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो यहाँ पर एनहांस होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि हम यहाँ पर जीन में ऐसी ही चीज़ें डाल रहे हैं जिससे कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाए, उसमें जो क्वालिटी है वो इंक्रीज़ हो जाए, सॉइल फर्टिलिटी जो है वो भी मेंटेन रहे, वो भी बरकरार रहे। लेकिन कुछ कंसर्न भी आते हैं, आप बोलोगे यार इतनी अच्छी चीज़ें हैं, सब कुछ ज़बरदस्त चल रहा है, तो क्या प्रॉब्लम क्या है डिज़ाइनर बनाने में। प्लांट्स को बोलिए, इंसान को बोलिए, सब हर कोई ज़बरदस्त तरीके से R&D करेगा, हर कोई दुनिया जो है वो कहाँ के कहाँ चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर एनवायरमेंटल कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, उसमें हमें लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उसका नहीं पता है कि भाई अगर यहाँ पर हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर भी लिया, ठीक है, हम तो कॉटन यहाँ पर बेसिकली पहनने के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन समझ लीजिए ब्रिटी ब्रिंजल है, भिंडी, अगर उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर दें तो वो हमारे शरीर में जा रही हो, शरीर में जाने के बाद उसमें क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं अभी तक पता नहीं है। तो जो ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो अभी तक पता नहीं है, तो वो हार्श इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। देन उसके इकोनॉमी में प्रॉब्लम, फॉल्स क्लेम जो हो सकता है यील्ड के बारे में, एथिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना। तो ये डोमिनेंस बहुत ज़्यादा, एथिकल प्रॉब्लम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है प्लांट्स में क्या होता है, सेल्स जो है ग्रोन टिश्यू कल्चर, ठीक है, ये बेसिकली होता है, देन नए DNA जो है उसमें छेड़छाड़ की जाती है, जो DNA होते हैं उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी दोनों जो है, इसमें फ़र्क आपको आ सकता है, कभी कभार होता है ना कि डिफरेंस जो है आपको स्टेटमेंट दे दिए गए, तो दोनों ही जो जीनोम जो है ऑर्गेनिज्म को उसको अल्टर कर सकते हैं। हाउएवर डिफरेंस जो है दो चीज़ों में है। पहला है जीनोम एडिटिंग जो है ये मैनिपुलेशन है ऑफ जीनोम ऑर्गेनिज्म इट्सेल्फ, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या होता है, टारगेटेड जीन जो उसको रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। एंड दूसरे मतलब डिज़ायर्ड ट्रेट जो हमको चाहिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि होशियार रहना चाहिए, इसको ये बीमारी नहीं होनी चाहिए, तो ये डिज़ायर्ड ट्रेट लाए जाते हैं, उसको जीनोम एडिटिंग जो है वो कहा जाता है। एंड दूसरा है ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी, जिसमें जीनोम जो है ऑर्गेनिज्म का अल्टर किया जाता है बाई इंट्रोडक्शन ऑफ वन और मोर फॉरन DNA। मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो फॉरन DNA है उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। समझ लीजिए अफ्रीकन वाले का DNA जो है वो लिया और वो इंसर्ट कर दिया गया इंडियन वाले DNA में, जिससे कि यहाँ पर जो क्वालिटीज़ है अफ्रीकन वाले की वो इंडिया में आ जाए रेजिस्टेंस की। तो ये फॉरेन DNA इंट्रोड्यूस किया गया, उसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी। लेकिन हमारे ही जेनेटिक्स में कुछ ऐसे छेड़छाड़ करके, कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं किया गया, हमारे ही जीन में ऐसे कुछ छेड़छाड़ करके अगर हमको बना दिया गया कि हाँ भाई तुम सशक्त हो गए हो, तो उसको हम कहते हैं जीनोम एडिटिंग, क्लियर है। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट इस पर जाते हैं। वेरियस बॉडी जो GM क्रॉप रेगुलेशन को आती है, DNA एडवाइजरी कमेटी है, बायोसेफ्टी कमेटी है, कमेटीज़ तो आप देख सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी एक आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर में ही, ठीक है। बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल है लार्ज स्केल यूज़ ऑफ हजार्डस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिकम्बेंडेंट होते हैं रिसर्च में, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म्स, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है। देन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो GEAC रिकमेंड किया एनवायरमेंटल रिलीज ऑफ ट्रांसजेनिक हाइब्रिड मस्टर्ड, धार मस्टर्ड। तो ये सारी चीज़ें मतलब क्या क्या उन्होंने किया, क्या क्या नहीं किया, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। DMH11 जो है ये बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल मैनिपुलेशन किया गया क्रॉप में,
ठीक है, तो ये चीज़ देखने को मिलती है। बाकी आप पढ़ सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप यहाँ पर एक बार रिवीजन, क्योंकि देखिए एक बार रिवीजन तो आपको इसमें से करनी ही पड़ेगी, ठीक है, एक बार तो आपको गो थ्रू करना ही पड़ेगा, तो ये चीज़ यहाँ पर गो थ्रू में आपको फटाफट जो है यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस, जो हमने देखा था कि SDN1 एंड SDN2 इनको एग्जम्प्ट कर दिया गया है कि ठीक है तुम करो इस पर जो करना है, लेकिन जो SDN3 रहेगा उसमें नहीं। शॉर्ट में बताता हूँ क्या डिफरेंस है। साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, साइड जैसे होता है ना कि हम पर्टिकुलर समझ लीजिए कि आपको ऐसे अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की भी है, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में हो तो अक्सर कहा जाता है कि आपको इस साइट पर जाना है ना। साइट मतलब बेसिकली क्या है कि जहाँ पर आपका कंस्ट्रक्शन चालू है, रोड का कंस्ट्रक्शन शुरू है, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन शुरू है, लेआउट का कंस्ट्रक्शन शुरू है, उसको कहा जाता है साइट। तो अब यहाँ पर साइट पर आप जा रहे हो, साइट पर कोई आप चेंजेस जो है वो कर रहे हो, ठीक है। उसी तरीके से हमारा जो DNA है, ठीक है, उस DNA में पर्टिकुलरली किसी प्लेस पर अगर आपको कोई चेंज करना है तो उसे हम कहते हैं साइट डायरेक्टेड। इस पर्टिकुलर साइट पर हमको कोई चेंज करना है, आसान तो समझ में आ गया एकदम, कोई कंसेप्चुअल इसमें कोई टेक्निकलिटी इसमें जाने की ज़रूरत नहीं, पर्टिकुलरली साइट पर कोई चेंज करना है तो उसे हम कहते हैं साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, मतलब बेसिकली पर्टिकुलर DNA का जो पैच है उसको ब्रेक कर देना, ठीक है, ये समझ लो ये ख़राब है, इसमें कोई बीमारी है, इसकी वजह से हमारे शरीर में बीमारी आ रही है, इसको यहाँ पर साइट पर्टिकुलर साइट की वजह से आ रही है ना, एक साइट हमको यहाँ पर मिल गई, ये साइट को यहाँ पर हमने एलिमिनेट कर दिया, ये साइट को एलिमिनेट कर दिया, एंड देन उसके बाद ये जो DNA है इसमें से वो बीमारी जो है वो निकल गई, हमारे शरीर में जो बीमारी है उसको निकाल लिया हमने, एंड देन ये DNA अपने आप को अपने आप को सही कर लेगा। हमारे शरीर तो वैसे ही है कि तुम ख़राब करो अपने आप उसको अच्छा करती जाती है ना। तो ये चीज़ जो है ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब बेसिकली इसमें कोई फॉरेन DNA डाला गया है क्या? नहीं, फॉरेन कोई भी मटेरियल नहीं डाला गया है, अपने आप को ही अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो मतलब इसे हम कहते हैं SDN1। दूसरा है SDN2, इसमें डबल स्ट्रैंगल्ड ब्रेक, व्हाइल ब्रेक इज रिपेयर्ड बाय द सेल, अ स्मॉल टेम्पलेट जो है वो सप्लाई किया जाता है कि भाई कैसे तुमको रिपेयर करना है ये बता दिया, तो फटाक से रिपेयर हो गया, रिपेयर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, है ना। तो ये बेसिकली यहाँ पर ये किया जाता है, मतलब कोई भी फॉरेन मटेरियल नहीं डाला जा रहा है, बस यहाँ पर एक टेम्पलेट जो है वो दिया जा रहा है जिससे कि वो फटाफट रिपेयर हो जाए। एंड SDN3 आता है जिसमें क्या है, जिसमें एक फॉरेन मटेरियल डाला जा रहा है उसको सही करने के लिए, समझ रहे हो आप। तो मतलब SDN3 में एक फॉरेन मटेरियल डाला जा रहा है जहाँ पर कंसर्न आ जाता है कि भाई फॉरेन मटेरियल डाल रहे हैं हमारे शरीर एक्सेप्ट करे ना करे, है ना। जैसे मेरे को जब डेंगू हुआ था, डेंगू के टाइम पे ऐसा हुआ कि मैं बहुत तेज़ बुखार, मतलब समझ लीजिए 103 104 बुखार चल रहा है, एंड देन उसके बाद प्लेटलेट जो है वो डाउन होना शुरू ही हुए थे। तो ऐसे सिनारियो में वहाँ पर डॉक्टर जो है, जब एडमिट कर दिया गया था बेसिकली मुझे, डॉक्टर ने कहा, जब एडमिट हुआ था मैं, तो डॉक्टर ने कहा कि देखो भाई इसकी कोई इसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है, आपको मतलब सिर्फ सर्विलेंस में रखा जाएगा, प्लेटलेट जो है हम 25,000 या 20,000 प्लेटलेट जब तक आते हैं तब तक वेट करेंगे, देन 25,000 या 20,000 से कम हो गए तो आपको एक्स्ट्रा प्लेटलेट जो है वो चढ़ाना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि एक्स्ट्रा प्लेटलेट चढ़ाएंगे तो बॉडी आपकी एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी वो भी हम नहीं बता सकते। तो मतलब बेसिकली मैं अंदर से सोच रहा था, ये बोल रहा है कि तू मरी जा। तो ऐसे सिनारियो में क्या है कि फॉरेन कोई भी मटेरियल हमारे शरीर में एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा वो बताते नहीं आता, तो ये थोड़ा रिस्की हो जाता है, ठीक है। तो दो इसमें तो ठीक है, तो इसलिए इनको एग्जाम जो है वो कर दिया गया था। समझ में आ गया आपको, एकदम आसान है। देन नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं, बेसिकली आप देखोगे तो बोथ SDN1 SDN2 डू नॉट इन्वॉल्व एनी एलियन जेनेटिक मटेरियल, बाहर का कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं क्रिस्पर Cas9। तो जैसा मैंने आपको कहा कि भाई ये जो है ये जेनेटिक कोड है, सिक्वेंस है जो बैक्टीरिया में फाउंड किया जाता है, और इसको काटना, ठीक है, कैंची से काटना, कैंची का काम करता है 9, Cas9, कैंची से काटना एंड देन उसको रिपेयर करना। तो यही चीज़ है जो अभी हमने डिस्कस किया हुआ इतने टाइम से। DNA क्या है? DNA ये हेरिडिटरी मटेरियल होता है मोस्ट ऑफ द लिविंग बींग्स में, ठीक है। DNA डबल स्ट्रैंगल्ड होता है, एंड RNA जैसा मैंने आपको कहा कि ये सिंगल स्ट्रैंगल्ड होता है, ठीक है। एंड देन उसका जीन जो है, स्पेसिफिक सेक्शन जो है DNA का, उसको जीन कहते हैं, स्पेसिफिक एक जो सेक्शन है, ठीक है। जीनोम जो है कंप्लीट सेट ऑफ DNA, उसको जीनोम कहा जाता है, कंप्लीट सेट, इसमें सभी क्रोमोसोम्स जो है सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा क्रिस्पर 9 प्रोसेस क्या करती है, ये डीएनए है, डीएनए को यहाँ पर कट करेगी एंड देन उसके बाद यहाँ पर बेसिकली जो स्पेसिफाइड जो ख़राब डीएनए है उसको निकाल के अच्छा खासा हम यहाँ पर जो भी बीमारियाँ हैं जो भी प्रॉब्लम्स उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैस 9 बेसिकली सीजर का काम करता है। देन यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आता है जो सिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी कार्ट टी सेल थेरापी आती है, कार्ट टी, ठीक है। अब कार्ट टी जो है ये काय के लिए है, तो ये कैंसर से फाइट करने के लिए, कैंसर से फाइट करने के लिए। अब देखिए क्या है कि जब भी कैंसर होता है, ठीक है, जब भी कोई कैंसर हुआ तो कैंसर बेसिकली क्या होता है कि कैंसर जो है एक समझ लीजिए एक सेल है, ठीक है, ये सेल है। अब ये सेल क्या करेगा, हमारे जो शरीर में जो सेल है उससे जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। अटैच कैसे होगा, तो ये दंडियाँ यहाँ पर निकली हुई है, ठीक है, एकदम आसान शब्दों में बता रहा हूँ, ठीक है। टेक्निकलिटी में जो इसको क्या बोलते हैं उसको, नहीं तो लेक्चर जो है वो समझ लीजिए 5-6 घंटे का हो जाएगा। 5-6 घंटे अगर आप सिर्फ साइंस टेक्नोलॉजी में वेस्ट कर रहे हो इसका करंट अफेयर देखिए तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मेरा मोटिव है हर कोई जो मतलब जैसे पॉलिटी का भी मैंने बनाया हुआ है वो भी 1.5 घंटे का है, और जो एनवायरमेंट का बनाया है वो भी 1.5 घंटे का है, 2-2 घंटे के अंदर हमारा पूरा कवर हो जाना चाहिए, ठीक है, उसमें मतलब बनता है। रिवीजन भी आप कर सकते हो एक ही दिन में, सभी जितने भी करंट अफेयर्स है PT 365 उनकी रिवीजन हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर ये बेसिकली समझ लीजिए ये जो है ये उनके निकले हुए हैं, ठीक है, बाहर। अब इसको एक्टिव होने के लिए, आसान शब्दों में समझिए, इसको एक्टिव होने के लिए हमारे सेल से अटैच होना पड़ेगा। तो ये जो दंडी है ना, ये दंडी ये हमारे सेल के अंदर वो फंसा देगा, ठीक है, ऐसे फंसा देगा, ये इस तरीके से फंसा दिया, ये फंसा दिया, अब हो गया ये एक्टिव, अब हो गया, नहीं तो ऐसे घूमते रहेगा हमारे शरीर में, इसका कोई अहमियत नहीं है। जब ये अटैच हो जाएगा तब ये एक्टिव हो जाएगा, और ये एक्टिव हो गया फिर हमारे शरीर को खोखला करना शुरू कर देगा, कैंसर हो जाएगा। अब सोचिए कि ये जो दंडी यहाँ पर निकली हुई है ना, ये जो दंडी इसकी यहाँ पर निकली हुई है, इसके ऊपर जैसे जैसे समझ लीजिए कि हमारा जो पेन होता है, पेन है ना, पेन, पेन की नीप है, ये पेन की नीप है, ठीक है, इस तरीके का ये पेन है। अब ये पेन की नीप जो है इससे हम लिखेंगे, ठीक है। अब अगर हमको लिखना नहीं है तो हम इस पर क्या करेंगे, ढक्कन लगा के रख देंगे, तो मतलब अब ये पेन की नीप जो है किसी को लगेगी नहीं कहीं, और इसका निशान जो है वो पड़ेगा नहीं, बराबर है। उसी तरीके सोचिए कि अगर हम इसके ऊपर कुछ ऐसा लगा कर रख दे, ठीक है, टोपली लगा कर रख दे, ठीक है, तो फिर क्या ये हमारे सेल से अटैच हो पाएगा, नहीं, हमारे सेल से अटैच नहीं हो पाएगा, हमारे सेल से अटैच नहीं हो पाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका अस्तित्व जो है वही खराब ख़त्म हो जाएगा। यही बेसिकली ये जो अटैच होते हैं ना, ये एंटीबॉडीज़ होते हैं हमारे शरीर में। आपने कोरोना वायरस के टाइम पे कई बार एंटीबॉडीज सुनी होगी, तो ये एंटीबॉडीज़ है, ये इसको अटैच हो जाते हैं जिससे कि ये हमारे सेल्स को अटैच ना हो सके और एक्टिव ना हो सके, ठीक है। तो ये यहाँ पर कार्ट टी जो है ये बेसिकली क्या करता है, कार्ट क्या करता है, कार्ट इसी तरीके से जो यहाँ पर टी सेल है उनको क्रिएट करता है, टी सेल्स को क्रिएट करता है। अब टी सेल नॉर्मली क्या है ना कि हमारे जो एंटीबॉडीज़ है वो यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो दूसरे सेल्स हैं ना वो इसको क्या करते हैं, इसको पकड़ ही नहीं पाते हैं, बेसिकली जो इसको पकड़ ही नहीं पाते, इसको पकड़ ना पाने की वजह से क्या है कि ये घूमता रहता है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक ऐसा सेल चाहिए जो इसको पकड़ ले, ठीक है, और ये इसको पकड़ने के बाद इसमें से अपनी शक्ति छोड़े और इसको डिस्ट्रॉय कर दे, समझ रहे हो आप। तो यही चीज़ यहाँ पर कार्ट टी जो उसके द्वारा किया जाता है। कार्ट टी बेसिकली करता क्या है, कार्ट टी यहाँ पर एक ऐसा सेल क्रिएट करता है या फिर हमारे जो सेल है उसमें कुछ ऐसी दंडियाँ बना देता है जिससे कि वो जो कैंसरस वाले सेल है उनको पकड़ सके और उनको डिस्ट्रॉय कर सके। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्ट टी सेल जो है वो यहाँ पर बना दिया गया, टी सेल इसमें इंट्रोड्यूस किए गए, है ना, हमारा जो कार है वो यहाँ पर बना दिया गया, टी सेल इंट्रोड्यूस, हमारे शरीर में से ही ब्लड निकाल रहे हैं, हमारे शरीर में से ब्लड निकाल रहे हैं, देन उसमें टी सेल जो उसको इंजेक्ट कर रहे हैं, टी सेल इंजेक्ट करने के बाद अब देखिए यहाँ पर उसको एक्स्ट्रा बम फूट गए, एक्स्ट्रा कोम फूट गए, और ये जो एक्स्ट्रा कोम है अब ये क्या करेंगे, मिलियंस ऑफ कार्ट टी सेल यहाँ पर पैदा करेंगे हम, ठीक है, और फिर उनको हमारे शरीर में इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब ये जो कैंसर सेल है ना इनको ये पकड़ लेगा, सब तरफ से पकड़ लेगा, और ये पकड़ लेगा तो फिर ये कैंसर सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बस यही इसका पूरा फिनोमिना है। तो आपको बेसिकली इतना डिटेल में नहीं आएगा, कार्ट टी सेल थेरेपी किससे रिलेटेड है ऐसा आपको पूछा सकता है, तो कैंसर जो है उसको ख़त्म करने के लिए, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली वाइट ब्लड सेल जो है वो भी आते हैं, वाइट ब्लड सेल अगर हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा है, वाइट ब्लड सेल बेसिकली क्या है, उनकी संख्या कम पड़ती है जब हमारा शरीर कोई इन्फेक्शन से लड़ रहा है,
और उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए वाइट ब्लड सेल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यही जो वाइट ब्लड सेल है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए, मतलब हमारे शरीर में कैंसर है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ और आपको समझ में आ गई। देन उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल होते हैं, अलग अलग टाइप है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। ये जो टी सेल्स हैं उनको कार्ट टी सेल्स जो है वो कहा जाता है, जिनमें टी सेल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं और फिर ये बराबर जो कैंसरस सेल है उनको पकड़ते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। अब टी एंड बी सेल्स, ये एक्चुअल में एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, बी एंड टी सेल्स के बारे में 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया है यूपीएससी के। तो कई सारे इसमें से क्वेश्चन है जिन पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर इम्यून सिस्टम सेल इनेट एंड एक्वायर्ड होते हैं। इन्यूट इम्यून सेल है बॉडीज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं। कोई भी छोटी मोटी सर्दी बुखार हुए तो उसको इनेट इम्यून सेल जो है वो रिस्पॉन्ड करने शुरू कर देते हैं। देन आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब क्या है समझ लीजिए। सबसे पहले हमारे शरीर में, ठीक है, हमारा समझ लीजिए हमारा देश है, हमारे देश पर हमने सोल्जर जो है वो बेसिकली समझ लीजिए कोई स्टेट है, ठीक है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र पे आप सभी को पता है कि हमला हुआ था 2008 में, है ना, जो कसाब वसाब ने हमला किया था। तो सबसे पहले किसने डील किया? सबसे पहले पुलिस ने डील की, बराबर है। सबसे पहले तो हमला हुआ, पुलिस ने डील करना शुरू कर दी। देन उसके बाद यहाँ पर अब इनसे वो चीज़ नहीं हुई, तो फिर उसके बाद हमें एनजीटी ये सब कुछ है, मतलब बेसिकली सोल्जर्स हैं हमारे, वो भेजने पड़े, है ना। तो ये जो है ये इनेट इम्यून सेल, ये वही है जो फटाक से पुलिस का काम करते हैं कि भाई कुछ भी हमला आया फटाक से उन्होंने रिएक्ट कर दिया, ये सर्दी बुखार के लिए। लेकिन उनसे अगर नहीं हो रहा है, कोई टेररिस्ट हमला हुआ है, बहुत बड़ी कोई बीमारी हुई है, तो उसके लिए फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब वो हमारे शरीर जो है वो बनाता है टी सेल्स बी सेल्स का यूज़ करता है, और फिर उसके बाद वो लर्नड एक्सपीरियंस से कैसे यहाँ पर वो लड़ सकते हैं, मतलब जैसे लर्नड एक्सपीरियंस से सोल्जर जो है उन्होंने फाइट किया, है ना, तो उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पर हुई, इनको थोड़ा टाइम लगता है, जैसे आपको पता है कि भाई सोल्जर्स को आने में मुंबई में टाइम लगा था, है ना, और लॉन्गर रहते हैं, एक बार उनको पता चल गया तो हमारे शरीर में ज़्यादा टाइम तक रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। बी से एंड टी से आल्सो कॉल्ड लिम्फोसाइट्स लिम्फोसाइट्स, ठीक है, ये एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज जो बैक्टीरिया वायरसेस ये सब है उसके लिए, टी सेल जो है डायरेक्ट फाइटर होते हैं फॉरेन इन्वेडर से। ठीक है, तो टी सेल डायरेक्ट फाइटर है, बी सेल जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। बी एंटीबॉडी टी डायरेक्ट फाइट, ठीक है, टी डायरेक्ट फाइट मारते हुए जा रहे हैं सोचिए। ठीक है, टी सेल्स डिस्ट्रॉय बॉडी ओन सेल्स, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई हैव टू बी टेकन ओवर बाई दी वायरस टू बिकम कॉन्कियस, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। जीनोम सिक्वेंसिंग, इंटरनेशनल टीम डिस्क्राइब फर्स्ट एवर सिक्वेंसिंग ऑफ कंप्लीट ह्यूमन जीनोम, जो मैंने आपको जीनोम सिक्वेंसिंग, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, जो हमारे जीन्स हैं उनमें सिक्वेंसिंग की जा रही है। सिक्वेंसिंग क्या होगी? सिक्वेंसिंग मतलब यह है कि हमारे जो डीएनए है उसमें अलग अलग जो बेसिकली समझ लीजिए जो ऑर्डर है वो देखने को मिलता है जीनोम का, उसमें हमें ACGT इस तरीके से देखने को मिलता है, एडेनाइन साइटोसाइन ग्रेनाइन एंड थायमाइन। तो ये देख इनकी सिक्वेंसिंग तय करती है कि आप कैसे रहने वाले हो। ठीक है, अब डीएनए देखा हमने, डीएनए का मैंने आपको बताया था कि भाई ये जैसा डीएनए रहेगा उस तरीके से आप बर्ताव करोगे, पर उसमें सिक्वेंसिंग होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेस पेयर एडेनाइन ग्वेनाइन साइटोसाइन, तो ये समझ लीजिए अगर इसके जगह पे साइटोसाइन आ गया तो चेंज हो जाएगा आपका सब कुछ। तो आपको जैसा चाहिए उसके लिए इनका बराबर सिस्टमेटिक पोजीशन में भी होना जरूरी है, सिक्वेंसिंग सही होना चाहिए। तो ये सिक्वेंसिंग को चेंज करना उसको हम बोलते हैं जीनोम सिक्वेंसिंग। ठीक है, तो कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए जो है उसको सिक्वेंस करना उसको हम कहते हैं जीनोम सिक्वेंसिंग। तो जीनोम सिक्वेंसिंग जो है इवोल्यूशन ऑफ बायोलॉजी कैसे हुई उसको समझने के लिए, जो रेयर डिसीजेस है उनसे बचने के लिए, जो जेनेटिक म्यूटेशन है वायरस में उससे बचने के लिए, उससे आइडेंटिफाई करने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए जीनोम सिक्वेंसिंग जो है वो की जाती है। आप ढांचे से ढांचा मिलाओ आपको आसानी समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने फर्स्ट आर्टिकल में ज़्यादा टाइम लगाया आपको, पूरा डीएनए क्या होता है किस तरीके से उसको किया जाए सारा चीज़ें वहाँ पर मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन की, जिससे कि आप ये सारी चीज़ें समझने में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं जाएगी। वेरियस इनिशिएटिव्स जो जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए गए, इंडिजन प्रोग्राम, देन जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो ये सब कुछ यहाँ पर लिए गए। जीनोम सर्विलेंस, अब यहाँ पर जीनोम स्टडी ऑफ एंटायर जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना, तो यहाँ पर बेसिकली जो COVID-19 मंकी पॉक्स का जो आउटब्रेक हो रहा है इससे यहाँ पर सर्विलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जीनोम सर्विलेंस बेसिकली क्या है, मॉनिटर करना। ठीक है, जो सिमिलरिटी है डिसिमिलरिटी है, डिसीज़ को मॉनिटर करना, पैथोजेंस को कंट्रोल करना,
जो काउंटर मेजर से उसको डेवलप करना, स्टैम्प आउट डिसीज़ को भगा देना, ये सब कुछ इसमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अप्लीकेशंस क्या है जीनोमिक्स के? ह्यूमन जीनोमिक फॉर मेडिकल पर्पसेस, है ना, माइक्रोबियल जीनोम एग्रीकल्चर के लिए, बायोलॉजिकल के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, तो ये भी इस पर क्वेश्चन आ सकता है। देन उसके जीनोम सर्विलेंस इंडिया में अगर हम देखते हैं तो रीजनल जीनोम सिक्वेंसिंग लेबोरेटरी है, इंडियन सार्स को जीनोम कॉन्सर्टम है, इंडियन ट्यूबरक्लोसिस जीनोम सर्विलेंस कॉन्सर्टम है। ठीक है, देन उसके बाद आता है क्लोनिंग। क्लोनिंग मतलब क्या है? क्लोनिंग मतलब है भाई साहब कि एक कोई पर्टिकुलर समझ लीजिए ऋतिक रोशन है, ऋतिक रोशन जैसा ही कोई क्लोन बना दिया जाए। ठीक है, आपने मूवीज़ में कई बार देखा होगा कि क्लोन जो है वो बना दिया गया। बेसिकली जब आपने वो कौन सी थी मूवी, धूम 3, है ना, धूम 3 जो मूवी थी उसमें आमिर खान का क्लोन था। ठीक है, तो वो तो बेसिकली हम जुड़वा बोलते हैं, लेकिन जुड़वा को ही हम बोलेंगे अगर आर्टिफिशियली कुछ बनाया गया है। जैसे जुड़वा मतलब क्या है, दोनों बच्चे पैदा हुए हैं, है ना, नेचुरली पैदा हुए हैं, लेकिन समझ लीजिए यहाँ पर आमिर खान है और आमिर खान ने खुद के ही जैसा कोई और आमिर खान बना दिया, उसको हम बोलेंगे क्लोन। समझे आप, उसको हम बोलेंगे क्लोन। तो रिसेंटली चाइना ने सक्सेसफुली वाइल्ड आर्टिक वुल्फ का क्लोन बनाया है। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, ये समझ लीजिए एक शीप है, शीप ए एंड शीप बी, दो फीमेल है, इसमें से शीप का डीएनए ले लिया जाएगा, ये शीप का यहाँ पर एग लिया जाएगा, न्यूक्लियस रिमूव किया जाएगा एंड देन उसका डीएनए जो है उसको फ्यूज कर दिया जाएगा इस एग के साथ, देन उसके यहाँ पर एम्ब्रियो बना, इसने सी में डाल दिया सी, और ए का ये क्लोन बन गया जैसा का वैसा, हूबहू ए का बन गया। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पर जब समझ लीजिए जो स्पर्म है वो निकलता है एंड देन एग निकलता है, दोनों मिलते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद भी कोई क्लोन होता है माँ बाप का? नहीं, लेकिन यहाँ पर सीधा क्लोन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस शिप का डीएनए है जैसा, सेम डीएनए है, और सेम डीएनए सेम सिक्वेंसिंग मतलब क्या, सेम टू सेम, आँखें सेम, नाक सेम, ईयर सेम, सब कुछ सेम, मतलब बेसिकली डीएनए का यहाँ पर खेल है, डीएनए का यूज़ करके हम यहाँ पर पैदा कर रहे हैं एंड वो सेम टू सेम है जैसा ए है, इसको हम बोलते हैं क्लोनिंग। समझ में आ गया? तो ये क्लोनिंग जो है वो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, डिस्पाइट हैविंग सेम जेनेटिक मटेरियल, क्लोन डू नॉट ऑलवेज लुक आइडेंटिकल, एनवायरमेंट ऑल्सो प्लेज एन डिसाइडिंग फिजिकल फीचर्स। ठीक है, फिजिकल फीचर जो है वो भी कैसे रहेंगे वो भी यहाँ पर डिसाइड किया जाता है, तो ये भी चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। देन उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर पर। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर बेसिकली डेटा सेंटर है, इंडियन बायोलॉजिकल इनॉग्रेट किया गया फरीदाबाद हरियाणा में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी है फॉर लाइफ साइंस डेटा, इसमें सब कुछ डेटा जो है वो रखा जाएगा। बेसिकली इसमें दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फरीदाबाद हरियाणा जो है वहाँ पर लिया गया है, और ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, तो यहाँ पर चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करना है, इसको ऑल ऑफ द अबव जो है वही जवाब रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट इस पर आते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल जो है वो दिया गया है। ठीक है, डेवलप किया गया है, रेगुलेटरी अप्रूवल है फॉर रिसर्च प्रपोजल ऑन सिंगल पोर्टल, तो ये सिंगल पोर्टल के थ्रू सारे रिसर्च का देखना, मॉलिकुलर मोटर है। देन IT एंड कंप्यूटर जो है इसमें से कुछ चीज़ें निकल रही है, तो IT एंड कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी जो है वो देखने को मिलती है। जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी क्या है? इन्फॉर्मेशन डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट इवेंट और अदर फीचर विद द लोकेशन, ये बेसिकली क्या है, लोकेशन के बारे में बात कर रहा है कि कहाँ पर लोकेशन रहेगा सरफेस पर। ठीक है, तो ये चीज़ अब बायोटेक्नोलॉजी जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, दूसरा है IT कंप्यूटर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर शरीर से निकल कर थोड़ा जग पर आइए। ठीक है, शरीर की भूख मिटाकर अब थोड़ा जग पर आइए। तो यहाँ पर वेक्टर्स एंड एट्रीब्यूट्स, पॉइंट, लाइन, पॉलीगॉन, ये सब कुछ मतलब अर्थ के ऊपर क्या क्या हम चीज़ें लोकेट कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर चीज़ें बात कर रहा है। तो इसके ये जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी जो है इसमें बेसिकली सब कुछ जो नेविगेशन, सर्विलेंस, मैपिंग, सब कुछ जो आएगा वो सब कुछ इसमें इंक्लूड रहता है। नेशनल जियोस्पेशल पॉलिसी अगर हम देखते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने नोटिफाई किया है टू मेक वर्ल्ड लीडर इन द ग्लोबल जियोस्पेशल स्पेस, कि भाई हमको यहाँ पर हमको वर्ल्ड लीडर बनना है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, बाकी कुछ इसमें खास नहीं है एग्ज़ाम के लिए कि कुछ पूछा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर है ड्राफ्ट नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी, अब यहाँ पर ड्राफ्ट है ना, ये जब लॉ बनता है तो इसमें इम्पोर्टेंस आता है, लेकिन वही है कि पर्सनल डेटा जो है उसको नहीं रखना, पर्सनल डेटा जो है उसको प्रोटेक्ट
कैसे करना है, ये सारी चीज़ें उसको देखने को मिलती हैं। टाइप्स ऑफ नॉन पर्सनल डेटा, तो इसमें पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा आता है जनरेटेड बाय गवर्नमेंट कोर्स ऑफ पब्लिकली फंडेड वर्क। जो पब्लिकली फंडेड वर्क है, समझ लीजिए कोई प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, उसमें कौन कौन काम कर रहा है, उस वो तो पूरा बताना पड़ेगा ना, कौन कौन काम कर रहा है, कैसे कैसे कर रहा है ना। कम्युनिटी का होता है प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा कलेक्टेड जनरेटेड बाय प्राइवेट एंटिटीज थ्रू प्राइवेटली ओन प्रोसेसिंग। मतलब यहाँ पर समझ लीजिए कि कोई गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी, उसमें कौन कौन वर्क काम कर रहा है, तो वो भी उनका भी डेटा यहाँ पर प्रोवाइड करना, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। बाकी कुछ इसमें खास नहीं है। आपको यहाँ पर जो ध्यान देना है वो बेसिकली यहाँ पर फिफ्थ जनरेशन पर देना है, ठीक है, 5G टेक्नोलॉजी इस पर क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आपने देखा हो तो वेब 3 है ना क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है 3.2, तो ऐसे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो फिफ्थ जनरेशन के बारे में कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो रहनी चाहिए। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है कंट्री का पहला 5G टेस्ट बेड। 5G टेस्ट बेड, 5G टेस्ट बेड जो डेवलप हुआ है एज अ मल्टी इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। मल्टी इंस्टीट्यूशनल है, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, 8 इंस्टीट्यूट्स इसमें आए हैं लेड बाय IIT मद्रास। एक एक पॉइंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कंट्री का पहला 5G टेस्ट बेड है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है 3G 4G 5G 6G, ये जी ओ जी लो जी सुनो जी, तो इसमें क्या है 3G ये 2004-06 इसमें है लेटेंसी स्पीड अगर आप दें 144 kbps की थी, 4G में 25 mbps की थी, 5G में 200-400 mbps की देखने को मिलेगी, और फिर उसके बाद ये तो मतलब हायर स्पीड रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैंड्स के बारे में भी थोड़ी बहुत आपको जानकारी रहनी चाहिए कि 5G में लो बैंड लोअर दैन 1 GHz स्पेक्ट्रम चार्ट पर, ये मिड बैंड 1-6 एंड हाई बैंड 24, ये आइडल है 5G के लिए। कौन सा? मिड बैंड। तो आपको आ सकता है कि भाई आइडल जो है वो लो बैंड है, नहीं आइडल जो है वो हमको जो मिडल बैंड है मिड बैंड है वो देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर हाई बैंड देखा जाए तो फास्ट है, एकदम फास्ट स्पीड और शॉर्ट डिस्टेंस। अब 5G जो है उसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी लाई गई है, मैसिव मल्टी यूज़र MIMO, स्मॉल सेल स्टेशन, मोबाइल एज कंप्यूटिंग एंड बीम फोर्सिंग, ये सब कुछ लाए गए हैं। क्या एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है? नहीं है। देन यहाँ पर 5G जो ऑपरेट करता है हाई फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हाई फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करता है, ठीक है, वर्चुअली एवरीवन एवरीथिंग को साथ में कनेक्ट करना है। देन उसके बाद बाकी स्टेप जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो नेटवर्क स्लाइसिंग है, ये एक टर्म, देखिए टर्म इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है, टर्म एग्जाम में आती है। नेटवर्क स्लाइसिंग अगर आप देखोगे तो नेटवर्क स्लाइसिंग एक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है जो अलाउ करता है मल्टीपल नेटवर्क्स को क्रिएट किया जाएगा ऑन द टॉप ऑफ कॉमन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। एक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके ऊपर जितने भी यहाँ पर समझ लीजिए कॉन्फ़िगरेशन है, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, उनको क्रिएट किया गया है, उसको बोलते हैं नेटवर्क स्लाइसिंग, स्लाइस किया जा रहा है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आता है यहाँ पर फाइब्रेशन, तो इसमें क्या है रेडियो टावर जो है विद ईच अदर ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करना, ठीक है, तो ये इजी है समझना। एडिशनल बैंडविड्थ यहाँ पर मिलती है, 33% टावर जो है फाइबराइज किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन पर। तो यहाँ पर ऑक्शन जो है वो हुआ, इसमें आपको वेवलेंथ जो है वो पता रहनी चाहिए किसकी, ये वेवलेंथ किसकी सबसे ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है ना, फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है, तो ये चार्ट से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है बेसिकली यहाँ पर अलॉट की जाती है, ठीक है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी अलॉट की गई। अब इससे एक और चीज़ आ रही है जो कि है 5G ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क RAN, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, जब भी आपको मोबाइल कनेक्टिविटी करनी है तो आपको एक टावर जो है वो लगा दिया जाता है ना, जिससे मोबाइल कनेक्टिविटी मिलती है। देन उसके अलग अलग मोबाइल में इसमें हार्डवेयर भी आते हैं सॉफ्टवेयर भी आते हैं। अब सबसे आसान शब्दों में अगर समझा जाए तो ऐसा है कि ये मोबाइल टावर से मोबाइल तक का जो भी कनेक्टिविटी है ये पूरी फुलफिल करने के लिए बहुत सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। अब पहले ऐसा था, ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो है ना ये एक ही कंपनी के लेना या अनिवार्य था या ज़रूरी था, ठीक है, अब इसको ओपन कर दिया गया है, तो अब जो एक्सेस होता है यहाँ पर नेटवर्क का वो अब ओपन सोर्स हो गया है कि मतलब मिक्स वेंडर से लिया जा सकता है डिफरेंट यूनिट्स के, बस वही है यहाँ पर जो रेडियो एक्सेस नेटवर्क है, क्लियर है, बस यही चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। देन उसके बाद आते हैं हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन, अगेन वही सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो किया जाए, गेटवे हब, बेसिकली क्या है ये लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क एस्टैब्लिशमेंट ऑपरेटिंग फॉर सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे, ठीक है,
इसमें गेटवे हब है, ब्रिज है बिटवीन स्पेस कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड टेरेस्ट्रियल, जो स्पेस में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इसमें एक ब्रिज का ये काम करेगा, ठीक है। रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल इंटरनल प्रोटोकॉल जो है सिग्नल उसमें कन्वर्ट करेगा, तो इससे कम्युनिकेशन जो है बेसिकली स्पेस से हमारे बीच में हो पाएगा। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन लिंक इन्वॉल्व यूज़ ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है, ये यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। देन उसके एडवांटेजेस क्या है, चीपर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, कैन कनेक्ट रिमोट लोकेशंस, एक्सपांड टेलीकॉम ऑपरेटर्स, ग्लोबल कम्युनिकेशन का भी यूज़ कर सकता है। तो ये कभी कभार आपको आते हैं कि भाई ये यूज़ करने, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज़ करने से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है एट प्रेजेंट, जैसे आया था ना आपको क्वेश्चन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एट प्रेजेंट क्या क्या उसका फ़ायदा है, बेनिफिट है, तो ये सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलती है। देन सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन, यूज सैटेलाइट इन स्पेस टू गेट इंटरनेट सिग्नल, स्पेस में भी इंटरनेट का यूज़ कर पाएंगे, ठीक है, तो ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो भाई क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो सकता है उसमें, वाईफाई अभी जो हम यूज़ करते हैं, नेट गीगा मैश, तो ये बेसिकली वायरलेस नेटवर्क सोल्यूशन है, फाइबर लाइक बैंडविड इंटरनेट सर्विस देता है, तो ये बेसिकली थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। देन VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यहाँ पर आप जो भी यूज़ कर रहे हो इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो तो VPN जो है वो आपने कई बार उसके बारे में सुना होगा। बेसिकली एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है जो नेटवर्क में आप यूज़ कर रहे हो उसको, इसी से तो फिर पकड़ा जाता है ना आपका IP एड्रेस, वो सारी चीज़ें होती है उससे पकड़ा जाता है कि कौन से इसे मेल भेजा गया था, कभी रैंडमली किसी को मेल भेज दिया, कोई भी मेल ID बनाकर फिर भी आपके घर पे वो आ सकते हैं कि आपने मेल क्यों भेजा, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। देन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पर डिवाइस होता है, VPN क्लाइंट होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, है ना, तो ये बेसिकली क्या है, सब कनेक्टेड होता है, कोई छुपा नहीं है किसी से भी, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर। डार्क नेट क्या है, हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना ये सर्फेस वेब है, जो आपको गूगल में आप कुछ भी सर्च करते हो, है ना, गूगल में आप सर्च कर रहे हो, ये सब क्या है, ये सर्फेस वेब है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्फॉर्मेशन जो है, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है वो वही इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है जो लोग दिखाना चाह रहे हैं, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। बाकी जो मेन इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये मनी लॉन्ड्रिंग, जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग, सब कुछ डीप वेब और डार्क वेब में होता है। डार्क वेब में तो ख़तरनाक चीज़ें होती है कि यहाँ पर होता है कि जो बेसिकली ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, जो टॉर्चरिंग होती है, कई बार ऐसा होता है कि डार्क वेब में लाइव रेप, ये सारी चीज़ें जो है वो भी ऐसी होती है, लेकिन ये एनक्रिप्टेड साइट होती है, इसमें टॉर जो है वो हमें देखने को मिलता है, ऐसे नॉर्मल हमारे इससे नहीं खुलता है वो, ठीक है। तो डार्क नेट आपको पता रहना चाहिए क्या है, डार्क नेट ये पार्ट है इंटरनेट का जो एक्सेस नहीं किया जा सकता है ट्रेडिशनल सर्च इंजन से, ठीक है, जनरली ये नॉन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंट मशीन, जो मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटेलिजेंट मशीन बना रहे हैं। अभी आपने देखा होगा आज तक वालों ने क्या किया है, आज तक वालों ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक एंकर बनाई है जो कि न्यूज़ पढ़ रही है, ठीक है, तो ये चीज़ भी आ गई है। तो आगे क्या ये जो है ये बड़े खुश हो कि एंकर जो है आज तक पर जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली आई थी तो बड़े खुश हो करके एंकर्स ने बताया था कि देखो एक आर्टिफिशियल वर्चुअल एंकर जो है वो हमारे साथ है, वो यहाँ पर न्यूज़ पढ़ेगी। लेकिन क्या इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वालों ने एक बार एंकर बना दी, अब वो तो कोई भी न्यूज़ पढ़ेगी बिना एरर के। अब वही अगर हम बात करें ह्यूमंस जो एंकर जो न्यूज़ पढ़ रहे हैं, अब वो ये जो न्यूज़ पढ़ रहे हैं उनकी क्या ये खतरे में नहीं है जॉब, है ना, उनको क्यों इतने इतने बड़े बड़े सैलरीज पे रखेंगे, 3-4 बना दिए एंकर, वो तो दिन रात 12 घंटे 24 घंटे काम कर सकते हैं, इनको तो भी छुट्टियां चाहिए, इनको तो भी ये चाहिए, पर्क चाहिए, सब कुछ हटा, तो कोई पर्क नहीं है, आर्टिफिशियल कुछ नहीं, तो ये खतरे की घंटी है, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग अलग सेक्टर्स में कई सारे फायदे हैं, है ना। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव मतलब क्या है, जो जैसे ChatGPT है, गूगल ChatGPT अभी जिसने UPSC फेल हो गया था, तो ये चीज़ें हमको देखने को मिल। जनरेटिव आर्टिफिशियल डिस्क्राइब एल्गोरिथम दैट कैन यू क्रिएट न्यू कंटेंट, ठीक है, जनरेट होने वाला है, जनरेट ये ऑडियो कोड इमेज टेक्स्ट सिमुलेशन, जनरेटिव इसको हम कहते हैं, जनरेट हो रहा है। देन ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI, इसको ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI कहा जाता है, 2020 में लॉन्च किया गया, इंटरनेशनल मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है, प्रेजेंट चेयर इंडिया है,
29 मेंबर स्टेट्स हैं, सभी कंट्रीज के लिए ओपन है, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, तो ये OECD इसका सेक्रेटरीट है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4D प्रिंटिंग, समझ लीजिए कि आपको घर जो है वो बनाना है, आपको सीमेंट ईट सब लगेंगे, लेकिन सोचिए कि एक मशीन आई, मशीन ने सीधा प्रिंट कर दिया, प्रिंट मतलब सीधा सीधा मशीन घूमी और घर बन गया, ठीक है। तो ये 4D प्रिंटिंग जो है उसके आगे जा रहा है, बेसिकली पहले 2D प्रिंटिंग था जो पेपर पे आता था, देन 3D प्रिंटिंग जिसने पेपर को ही प्रिंट करना शुरू कर दिया, देन उसके बाद स्टैटिक, ये 3D प्रिंटिंग से 4D पे आ रहे हैं हम, जहाँ पर डायनेमिक स्ट्रक्चर जो है बनना शुरू हो रहा है, ठीक है। इसको स्टिमुली लगता है, ट्रिगर लगता है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। देन आते हैं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिकली यहाँ पर इनोवेशन हुआ है कम्युनिकेशन थ्रू क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्वांटम जो टेक्नोलॉजी है, क्वांटम कम्युनिकेशन है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है UPSC में, क्वांटम कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो बेसिकली क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए, क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग क्यूबिट्स, क्वेश्चन यही आया था, क्यूबिट जो है ये न्यूज़ में है, किससे रिलेटेड, क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है, जो क्वांटम फिजिक्स है उनके कुछ लॉज हार्नेस करके यहाँ पर जो एनर्जी है उसको कोई हायर लेवल पर लेकर जाती है, जिससे कि हम कोई इफेक्टिव चीज़ जो है वो बना सके। तो क्यूबिट का इस्तेमाल करके क्वांटम कंप्यूटिंग हो रहा है, देन उसके बाद क्वांटम कम्युनिकेशन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। देन उसके बाद क्वांटम सिमुलेशन जो है वो भी यहाँ पर हो रहा है, एंड क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन जो सेकर कम्युनिकेशन नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जो क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल करती है, दो पार्टीज़ को शेयर्ड सीक्रेट की जो है वो यहाँ पर जनरेट करने में हेल्प करती है, ठीक है, जो इनक्रिप्ट डिस्क्रिप्ट कर सके मैसेज, कोई भी मैसेज अगर भेजना है कम्युनिकेशन में, समझ लो YX कोड A इस तरीके से, तो ये क्वांटम कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। मैथमेटिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना, ये सब यहाँ पर देखने को मिलता है। देन उसके बाद यहाँ पर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो यहाँ पर ट्रांसमिशन जो है डेटा का बिना किसी वरी के सुना जा सकता है, भेजा जा सकता है, जैसे यहाँ पर हमने कई सारी मूवीज़ में देखा है ना, जो स्पाई वाली मूवीज़ होती है कि कुछ भेज रहे हैं उसको एनक्रिप्ट डिस्क्रिप्ट किया जा रहा है। देन उसके बाद प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी, यहाँ पर प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये बिटकॉइन ये सब ब्लॉकचेन पे, मतलब बेसिकली इसमें आपको ब्लॉकचेन जो उसके बारे में पता रहना चाहिए, ब्लॉकचेन पर ऑलरेडी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, ठीक है। तो ब्लॉकचेन यहीं पर आपको ये है बेसिकली क्या है, प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म बिटकॉइन यूज टू रेगुलेट क्रिएशन ऑफ ब्लॉक्स थ्रू प्रोसेस ऑफ माइनिंग, ठीक है। प्रूफ ऑफ स्टेक मतलब क्या है, अल्टरनेटिव कंसेंसस मैकेनिज्म दैट डेलीगेट्स द कंट्रोल ऑफ नेटवर्क टू द ओनर्स ऑफ गिवन टोकन। तो इस तरीके से देखने नॉन फंजिबल टोकन यहाँ पर आता है, ये एक डिजिटल ऑब्जेक्ट है जो ड्राइंग एनिमेशन है ना, नॉन फंजिबल टोकन जो है ना, इसकी कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है, टोकनाइजेशन यहाँ पर होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, यूनिक क्वालिटी है, डिस्टिंक्ट वैल्यू होती है, डिजिटली रेयर होता है, ठीक है, एंड देन मस्ट बी सोल्ड और परचेज एज अ होल, इसको ये नहीं कर सकते। तो नॉन टेंजिबल टोकन पर क्वेश्चन आ सकता है, इस पर काफ़ी हाई चांसेस से क्वेश्चन पूछे जाने के, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, यूनिक क्वालिटी है, डिजिटली रेयर है और कैनॉट बी डिवाइडेड, ठीक है, एज अ होल ही इसको बेचा या खरीदा जा सकता है, ठीक है। देन फेशियल रिकॉग्निशन, ये आपको पता है फेशियल रिकॉग्निशन कैसा है, डिजिटली हर जगह वो लाया गया। एक्सटेंडेड रियलिटी, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी पर, ये ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी पर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है ऑलरेडी इनकी डेफिनेशन पर UPSC में। ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी में क्या डिफरेंस है, आपने गॉगल लगा दिया और आपके आजू बाजू में आप पहुंच गए न्यूयॉर्क, ठीक है, ये हो गई वर्चुअल रियलिटी कि आप अलग ही दुनिया में पहुँच गए, ठीक है, मतलब अलग ही इसमें पहुंच गए, या फिर आप कोई गेम जोन में पहुंच गए जहां पर आप गेम खेल रहे हो, आपके सामने पूरे गेम के लोग आ रहे हैं, ये हो गया वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब क्या है कि आपका घर है, आपके घर पे समझ लो कि आपने ये बस आपका घर है ना, मतलब बेस जो है वो बना हुआ है, आप वहीं पर हो, आप कहीं दूसरी दुनिया में नहीं जा रहे हो, आप वहीं पर हो, बस आपको ये देखना है कि आपके चेयर अगर घर पर ला दी जाए, यहाँ पर ये पर्टिकुलर जगह पर अगर चेयर रख दी जाए तो क्या होगा, तो वहाँ पर चेयर आ जाएगी, समझ रहे हो आप। तो ये हो गया ऑगमेंटेड रियलिटी, मतलब जहाँ पर आप हो वहीं पर रहोगे, स्पेस वही रहेगी, बस उस पर अलग अलग जो चीज़ें हो रही है जो एक्चुअल में नहीं है लेकिन हो रही है, उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी, क्लियर है। तो ये एजुकेशन, इसके लिए
सब इसके लिए यूज़ हो सकता है, कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है अब आपको पता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तो ये बेसिकली कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इंडिया स्टैक ये भी कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद बाकी इम्पोर्टेंट न्यूज़ ग्लोबल डिक्लेरेशन, इंडिया स्टे आउट ग्लोबल डिक्लेरेशन फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, ठीक है। ये बाकी ये नॉर्मल जो न्यूज़ है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, एक एक दो दो इसकी है। ये कुछ इतना खास उसमें समझाने लायक नहीं है। टेक्नोलॉजीज जो कॉन्सेप्ट है इसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, एम्बेडेड सिम है, यहाँ पर बेसिकली क्या है पेपर ऑन ई सिम फॉर एम टू एम मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन फिजिकली इंटीग्रेटेड इनटू डिवाइस, ठीक है। ई सिम जो है, ठीक है, ई सिम ये मोस्टली यूज़ होता है। अभी मैं भी आईफोन यूज़ कर रहा था तो उसमें यूज़ कर रहा था। अभी मैं अपना नॉर्मल जो बटन वाला मोबाइल होता है वो यूज़ कर रहा हूँ, आपको पता है क्यों यूज़ कर रहा हूँ। देन उसके बाद आर्यभट्ट वन, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस, ये साइबर सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट है। क्रिप्टो जैकिंग, ब्लू बगिंग, ये फॉर्म ऑफ हैकिंग है जो डिवाइस एक्सेस किया जाता है थ्रू ए डिस्कवरेबल ब्लूटूथ कनेक्शन, तो ब्लू बगिंग, ठीक है। क्रिप्टो जैकिंग साइबर अटैक है, अगेन क्रिप्टो जैकिंग। देन उसके बाद यहाँ पर पैरामोल पोरल, ये सब ठीक है, इतने कुछ खास नहीं है। जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी आता है, स्पेस टेक्नोलॉजी में मार्स ऑर्बिटर मिशन देखने को मिलता है, ये आपने कहीं पर पढ़ा होगा है ना, मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम। ये बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है मॉम का, टू एक्सप्लोर मार्शियन सरफेस फीचर, है ना। टेक्नोलॉजी यहाँ पर डिज़ाइन ये सब करना, की फीचर अगर हम देखते हैं तो लॉन्च यहाँ पर किया गया 2013 में, इंडिया का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था। फर्स्ट एशियन कंट्री, फोर्थ इन दी वर्ल्ड, रशिया, यूएसए एंड ईयू उसके बाद, तो ये सब कुछ किया गया था। 5 पेलोड जो है वो मॉम के हमें ये सब देखने को मिले थे, आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना। तो ये बाकी मार्स मिशन अगर हम देखते हैं तो यूएसए यहाँ पर, यूएई, चाइना एंड जापान, इनके द्वारा भी किया गया। बाकी यहाँ पर अगर आप देखते हो तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है PSLV 55th मिशन सक्सेसफुल लॉन्च किया है 3 सिंगापुरियन सैटेलाइट को। तो इसमें आपको लॉन्च व्हीकल के बारे में बेसिकली पता रहना चाहिए। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, जियोसिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है ना, ये मार्क 3 है। मार्क 3 काफ़ी एडवांस है, ये यहाँ पर मोस्टली यूज़ होता है। 3 स्टेज ये है, ये भी 3 स्टेज है, ये जो जियोसिंक्रोनियस GSLV एंड GSLV मार्क 3, ये 3 स्टेज है, 3 स्टेज है। फर्स्ट स्टेज सॉलिड होता है, सेकेंड लिक्विड होता है, थर्ड क्रायोजेनिक होता है। इसमें फर्स्ट लिक्विड है, सेकंड सॉलिड है, थर्ड क्रायोजेनिक है। मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले इसमें पहला सॉलिड है, दूसरे इसमें पहला लिक्विड है, ठीक है। देन इसका अपोजिट, यहाँ पे इसका अपोजिट, एंड लास्ट तो क्रायोजेनिक है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। पेलोड कैपेसिटी जो है 4 टन तक जा सकता है, 8 टन इंटू लोअर ऑर्बिट, इसका कम होगा ऑब्वियसली, है ना। और इसमें जो है PSLV में क्या होता है, ये GSLV का देखा हमने, PSLV का क्या होता है, PSLV इसमें भी 4 स्टेज होता है बेसिकली, इन दोनों में 3 स्टेज था, इसमें 4 स्टेज होता है, एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड, और सॉलिड और लिक्विड, तो इसमें क्रायोजेनिक नहीं होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, तो ये क्या होता है, अबव द इक्वेटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट फॉलोइंग द अर्थ रोटेशन स्टेशनरी, मतलब बेसिकली क्या है कि उस पोजीशन पर सैटेलाइट का चले जाना, हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ घूम रही है, तो उस पोजीशन पर चले जाना जहाँ पर अर्थ घूम रही है, जो सैटेलाइट है वो भी अर्थ के साथ घूम रहा है, मतलब आप अगर यहाँ पर हो तो आपको वो स्टेशनरी दिखेगा। जैसे हमारा मून है, मून जो है वो रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जितना टाइम अर्थ एक दिन में ये करने को लगाती है वो खुद के भौती भी उतना ही होता है, खुद के भौती भी उतना ही टाइम लगाता है रोटेट होने में, तो इसलिए जो मून की साइड है वही साइड हमको अर्थ के तरफ दिखाई देती है ना, वही साइड दिखाई देती है। तो मतलब हमको ऐसा लगता है वो अपने अराउंड नहीं घूम रहा है मून, जबकि अपने अराउंड घूमता है। वही अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर कनेक्टेड है, तो अर्थ घूम रही है, ये भी घूम रहा है, अर्थ घूम रही है, ये भी घूम रहा है, तो बेसिकली हमको स्टेशनरी दिखाई देगा। हम यहाँ पे पहुँचेंगे, हमको यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि ये भी यहाँ पे जा रहा है, वो स्टेशनरी हो गया। लो अर्थ ऑर्बिट, जो लोअर अर्थ है ना, उसमें दिखाई दे रहा है। पोलर ऑर्बिट, जो पोलर साइड में लगाए गए हैं। सन सिंक्रोनियस ऑर्बिट, काइंड ऑफ पोलर ऑर्बिट, आर सिंक्रोनियस विद द सन, ख़त्म। नेविक जो है ये हमको देखने को मिलता है, नेविक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए, अगर आप देखो आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। देन यहाँ पर जो अर्थमिस वन है, रिसेंटली नासा जो है उसका मिशन देखने को मिला है, सक्सेसफुल लिफ्ट किया है ऑफ कैनेट स्पेस सेंटर,
ठीक है, तो स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट मोस्ट पावरफुल, ये बेसिकली रॉकेट के बारे में आ सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक मिशन देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या था? हीट शील्ड कैन बी विस्टैंड द हाई स्पीड एंड हाई कंडीशन रिटर्निंग थ्रू अर्थ एटमोसफेयर। जो शील्ड है, हीट शील्ड, ठीक है, क्या होता है जब अर्थ के एटमोसफेयर में आप आ रहे हो, जब बहुत ज़ोर से आ रहा है तो हीट जनरेट होती है और वो हीट जो है काफ़ी बुरी अवस्था क्रिएट कर देती है जो भी एटमोसफेयर में गिर रहा है उसके ऊपर। रेडिएशन एनवायरमेंट ऑफ डी स्पेस है ना, तो ये जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको स्टडी दी मून, ये ऑब्जेक्टिव पता रहना चाहिए। मेजर मिशन मून पर इंडिया ने भी किया था, चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 है ना, तो ये सभी मिशन आपको पता रहना चाहिए। आपको मैच द पेयर में आ सकते हैं किसका मिशन है, तो जापान, हिटेन, चाइना, ये पता ही रहता है सबको, तो जापान का खास पता रहना चाहिए। देन है जेम्स वेब स्पेस टेक्नोलॉजी। जेम्स वेब, इसने प्रोवाइड किया एस्ट्रोनॉमर को ग्लिम्स ऑफ अर्ली यूनिवर्स इन द न्यू इमेज। ठीक है, टू साइड ऑफ वेब ये हमें देखने को मिलता है, सोलर पैनल है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये सब कुछ स्टडी कर रहा है ना, तो ये बेसिकली बहुत ज़बरदस्त तरीके स्टडी जो है उसके ऊपर जा रहा है। व्हील्स है, जेट है, कंप्यूटर लगा हुआ है, मतलब सब कुछ हर तरीके का एटमॉस्फेयर बियर कर सके तो वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आती है। जेम्स वेब के बारे में आपने कई बार सुना होगा। इसमें बेसिकली क्या है, लैग्रेंज पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, तो इसमें सेकेंड लैग्रेंज पॉइंट जो है और L2 स्टे इन लाइन विद द अर्थ टू मूव अराउंड द सन, सन के अराउंड वो मूव हो रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग जो है उसमें जा रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये एक आप पढ़ लोगे तो आपको कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा हबल वेब और ऑब्जर्वेटरी में। ऑब्जर्वेशन मेड बाय GWST, यहाँ पर जुपिटर का है, न्यू इमेज ऑफ जुपिटर वो हमें देखने को मिली है। फिर मैसिव स्टॉर्म जो है, कलरफुल ऑरोरा, वो सब यहाँ पर हमें देखने को मिला है जुपिटर के वहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। बाकी इसमें अगर आप देखोगे तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि जुपिटर पे क्या होता है क्या नहीं होता है, वहाँ की हम UPSC नहीं दे रहे, इसलिए इतना कुछ ध्यान में देने का। प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस प्रोग्रामिंग इन इंडिया, ये आपको मेंस के लिए खासकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो अगर स्पेस प्रोग्राम में आता है तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए आपको ये होना चाहिए, इंटरनेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर जो है इन स्पेस, ये एक ऑटोनॉमस नोडल एजेंसी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जिससे कि यहाँ पर प्राइवेट एंटिटीज़ जो है, नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटीज़, उनको उनकी एक्टिविटीज़ क्या रहेगी। इसमें चेयरमैन होते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, सेफ्टी एक्सपर्ट्स होते हैं। ठीक है, स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करना, टेम्प्रेरी फैसिलिटी इस्टेब्लिश करना, नए स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को इस्टेब्लिश करना, ये इसका मैंडेट है। और ये जो है, ये मैंडेट शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। ठीक है, सभी स्टेक होल्डर्स के लिए, ऐसा नहीं कि कोई आके चिढ़ गया कि नहीं नहीं मेरे को तो स्पेस में जाना ही चाहिए, भाड़ में गया नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, बाकी ये कुछ काम का नहीं है। देन स्पेस सस्टेनेबिलिटी, स्पेस अफेयर गवर्नमेंट ऑस्ट्रिया जो है उसने ऑर्गेनाइज किया है वर्ल्ड स्पेस फोरम 2022 में, तो किसने किया है ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, बाकी इसमें अलग अलग जो ट्रीटीज़ है वो ध्यान में रख सकते हैं, बाकी कुछ खास एग्ज़ाम के लिए इसमें से नहीं निकलता है। स्पेस टूरिज़्म अगेन मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टूरिज़्म किस तरीके से हो सकता है, उसको हम कैसे बना सकते हैं, है ना, तो ये चीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है। ब्लैक होल्स, ब्लैक होल हमने ज्योग्राफी जो हमारा टॉपिक है MM Academy ऐप पर उसमें कवर किया हुआ है ब्लैक होल के बारे में। तो ब्लैक होल फर्स्ट फोटोग्राफी ऑफ सैगिटेरियस ए सुपर मैसिव ब्लैक होल जो है उसकी निकल कर आई थी, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया था। ब्लैक होल के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। तो ब्लैक होल के बारे में आप देखोगे तो बेसिकली ब्लैक होल क्या होता है, जो बेसिकली प्लैनेट है, प्लैनेट अगर तबाह हो जाए तो वो ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। ब्लैक होल से लाइट भी एस्केप नहीं हो सकती है, उसके आजू बाजू में हमें लाइट देखने को मिलती है। ठीक है, ग्रेविटी पुल बहुत ज़्यादा होता है, लाइट भी एस्केप नहीं कर सकता। जब स्टार डाई हो रहा है, मर रहा है, तब जाके डेवलप होती है। जो नियर बाय मैटर है कैन बी इन्फर्ड बाय डिटेक्टिंग द इफेक्ट, जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, उससे हम यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ ब्लैक होल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर, टाइप्स ऑफ ब्लैक होल भी है यहाँ पर, टाइनी ब्लैक होल है, स्टेलर ब्लैक होल है एंड सुपर मैसिव ब्लैक होल है, मतलब स्मॉल एज वन एटम, एक एटम जितना स्मॉल टाइनी ब्लैक होल होता है। ठीक है, बट मास ऑफ लार्ज माउंटेन, यूनिवर्स जब शुरुआत होती है तब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। स्टेलर मतलब क्या है, 20 टाइम्स मोर देन मास ऑफ सन। ठीक है, तो मैंने इट कॉजेज सुपरनोवा, एंड सुपर मैसिव ब्लैक होल मतलब क्या है भाई, सेम एज गैलेक्सी, सब कुछ ख़त्म। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है।
तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। बाकी फिर डार्क मैटर्स, डार्क मैटर LT डिटेक्टर US has shown that most of the sensitive dark matter detector yet created, अभी तक नहीं हुआ है भाई जो डार्क मैटर है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर लुक्स ज़ेपिन डिटेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। डार्क मैटर जो है वो कैप्चर करता है फॉर्म ऑफ वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखिए। बाकी डार्क एनर्जी जो उसको नाम दिया गया है मिस्ट्रियस फोर्स दैट कॉजिंग रेट ऑफ एक्सपांशन ऑफ आवर यूनिवर्स टू एक्सेलरेट, तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है। बाकी कुछ खास इसमें से देखने लायक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इस पर जाते हैं। अब डार्क एनर्जी, यूनिवर्स हैज़ बीन नोन टू बी एक्सपांडिंग, है ना, बिग बैंग से पता चल रहा है कि भाई हमारी यूनिवर्स जो है वो एक्सपांड होती जा रही है। डार्क एनर्जी पहली बार किया गया था अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा 1917 में, ठीक है। डार्क एविडेंसेस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इस कंपोनेंट डब्ड डार्क एनर्जी, ये फर्स्ट प्रेजेंट की गई थी 1998 में। एक्सपांशन जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। डार्क एनर्जी नाम दिया गया मिस्ट्रियस फोर्स को जो हमारा रेट ऑफ एक्सपांशन जो यूनिवर्स का उसको एक्सेलरेट कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है, फास्ट कर रहा है। देन अर्थ रिकॉर्ड शॉर्टेस्ट डे, अगेन इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई वो मतलब कब होता है, मतलब समझ लीजिए ऑटमन कब आता है ना, समर सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे शॉर्टेस्ट डे कौन सा होता है, ये पूछा गया है। तो ये जुलाई का जो है ये रिकॉर्ड किया गया शॉर्टेस्ट डे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद यहाँ पर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड डेवलपमेंट, अलग अलग जो डेवलपमेंट हुए हैं नासा के वो आप यहाँ से देख सकते हो। इसरो के कौन कौन से हुए हैं, तो हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम टेस्ट किया है, प्रोपल्शन सिस्टम, ठीक है। देन उसके बाद ये आप देख लीजिए एक बार, ये आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ये जो भी स्पेस फिनोमिना है, सोलर इक्लिप्स जो सन पे इक्लिप आए हैं, मतलब बेसिकली सोलर इक्लिप क्या होता है, मून गेट्स इन बिटवीन अर्थ एंड सन, है ना। तो इक्लिप पर क्वेश्चन जो है वो पूछने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। टोटल सोलर इक्लिप आता है, पार्शियल आता है, एनुलर आता है, हाइब्रिड आता है, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पर मैंने डिटेल में सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन की हुई है। ब्लड मून, टोटल ल्यूनर इक्लिप्स, डार्केस्ट और उम्ब्रा जो है वो क्रिएट होता है जिससे मून जो है उसमें भी कलर आ जाता है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर, सन स्पॉट क्या होता है, ये मैंने सारी ज्योग्राफी की वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं। देन उसके बाद स्पेस ऑब्जेक्ट्स, इसके ऊपर भी एग्जोप्लैनेट्स क्या है, बैरियम उसने डिटेक्ट किया है अपर एटमॉस्फेयर में 2 एग्जोप्लैनेट, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बेसिकली ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं हम हेल्थ पर। तो हेल्थ पर ये ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है इसके बारे में बात हुई है। तो इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पहली लाइन है कि यहाँ पर ग्लोबल सेंटर जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन का, ये जामनगर गुजरात जो है वहाँ पर किया गया है। अब देखिए यहाँ पर याद रखने के लिए आप कर सकते हो, जैसे मोदी जी, मोदी जी कहाँ के हैं, गुजरात के हैं, तो वो देश की जो मतलब समस्या है उसका निवारण कर रहे हैं। वैसे यहाँ पर जो हेल्थ है उसकी समस्या का निवारण करने के लिए जामनगर गुजरात जो है वहाँ पर ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है वो लाया गया है। तो याद रखने के लिए ऐसा कर सकते हैं। बाकी नेशनल आयुष मिशन जो है इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए, आयुष मेडिसिनल सिस्टम जो है उसको प्रमोट करने के लिए लाया गया है। देन उसके बाद यहाँ पर 5 गोल जो है इसके, वो है कि डेटाबेस क्रिएट करना है, स्टैंडर्ड टेस्टिंग क्रिएट करना है, मतलब जो हमारी दवाएँ हैं वो ग्लोबल लेवल पर अच्छे तरीके से बढ़े उसके लिए चीज़ें जो है वो यहाँ पर फंड मोबिलाइज करना, प्रोटोकॉल डेवलप करना, जो प्लेटफॉर्म है वो इवॉल्व करना, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। बाकी आयुष अगर हम देखते हैं तो आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी ये देखने को मिलता है, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है उसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। बाकी इसमें कुछ भी खास नहीं है। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस जो है उसके बारे में देखने को मिल रहा है। देखिए सेपरेट वीडियो में लेकर आऊँगा, खासकर जो साल भर में बीमारियाँ न्यूज़ में रही है, डिसीजेस न्यूज़ में रही है उस पर। तो यहाँ पर शॉर्ट में अगर हम देखें, ट्यूबरक्लोसिस जो है वो टीबी बेसिकली एक बैक्टीरिया जो है उससे होता है। तो ये आपको पता रहना चाहिए टीबी है क्या, है ना। तो बैक्टीरिया जो है उससे होता है और ट्यूबरक्लोसिस के कुछ टाइप है यहाँ पर, बेसिकली लंग्स पे अफेक्ट करता है। टीबी के टाइप मतलब पुलमोनरी टीबी है जो लंग्स को अफेक्ट करता है, एक्स्ट्रा पुलमोनरी टीबी है जो लंग्स और ऑर्गन्स दोनों को अफेक्ट करता है। एंड यहाँ पर BCG वैक्सीन जो है वो देखने को मिलता है, टाइम बर्थ के टाइम पर ही दिया जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, यहाँ पर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी देखने को मिलता है। देन एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस, टोटली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। बाकी इंडिया ने कौन कौन से एफर्ट्स लिए हैं ये चीज़ें जो है, निक्ष पोर्टल जो है ये आपको पता रहना चाहिए कौन सा पोर्टल है टीबी के लिए, है ना। तो ये चीज़ भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाती है। देन उसके एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आता है,
देखिए क्या है ना कि रेजिस्टेंस मतलब क्या है कि जो हमारे अंदर बीमारियां आई है, ये यहाँ पर समझ लीजिए ये बीमारी करने वाली कीटाणु है। अब ये कीटाणु को भगाने के लिए हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं गोली। अब ये जो गोली है ये इन कीटाणुओं को मारती है। अब समझ लीजिए जैसे हमारा शरीर जो है वो इम्यून होता है, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाते हैं, है ना। एंटीबॉडीज़ मतलब क्या, हमारी पर्सनल आर्मी जो किसी भी वायरस को हमारे शरीर पर अफेक्ट नहीं होने देती उसको मार देती है। वैसे समझ लीजिए कि ये जो कीटाणु है इनके शरीर में भी कुछ इम्यून सिस्टम डेवलप हो रही है कि अगर ये एंटीबायोटिक जो हम ले रहे हैं वो इस पर असर ही ना करे, है ना। तो मतलब ये हमारे शरीर को हार्म करते रहेंगे, ये मरेंगे नहीं। तो यही होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो बेसिकली WHO ने रिलीज़ किया है ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलेंस सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या है, एक एबिलिटी जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कि एंटी माइक्रोबियल, यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो एंटीबॉडी एंटीबायोटिक्स होती है वो उन पर काम ही नहीं करती है, ठीक है। तो ये होता है, तो ये किस वजह से होता है, ओवरडोज अगर आपका हो गया, आपने अगर एंटीबायोटिक्स का ओवरडोज ले लिया, ओवर प्रिस्क्रिप्शन हो गया, जो एंटीबायोटिक्स है एग्रीकल्चर फील्ड में आपने डाल दिया कि भाई वही अनाज आप खा रहे हो, अनाज के थ्रू आपके शरीर में इतनी एंटीबायोटिक्स चली गई कि अब जो हमारे कीटाणु हैं उन पर असर ही नहीं कर रही है। पुअर हाइजीन, इन्फेक्शन यहाँ पर अगर होता है, वेस्ट फैक्ट्रीज इससे निकलते हैं, तो इससे यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो मतलब कॉमन से कॉमन जो इन्फेक्शन है वो भी यहाँ पर ट्रीट होने में काफ़ी वक्त लगा देता है, तो ये चीज़ देखने को मिल रही है। इनिशिएटिव्स इसको टैकल करने के लिए काफ़ी सारे लिए गए ग्लोबल, इसमें अगर हम देखते हैं तो ग्लोबल एक्शन प्लान लिया गया है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इनके द्वारा वन हेल्थ अप्रोच जो है वो लाया गया है, इंडिया के द्वारा भी कई सारे इसमें एफर्ट जो है वो लिए गए हैं जो आप पढ़ सकते हैं। सेल्फ एम्प्लीफाइंग मैसेंजर RNA वैक्सीन, अब यहाँ पर क्या है, RNA वैक्सीन जो है उसके बारे में बात हो रही है। अब देखिए कोविड के टाइम पर भी वैक्सीन जो है वो निकली और mRNA के ऊपर ही आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। जो मैंने आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे उसमें mRNA जो है उसका भी मैंने जिक्र किया था, है ना। तो इसमें क्या होता है, mRNA वैक्सीन क्या होती है, जैसे हमारी कन्वेंशनल वैक्सीन होती है जो वायरस, मतलब समझ लीजिए पर्टिकुलरली कोविड वैक्सीन है, तो कोविड वायरस जो है, ये जो वायरस है ये फुल फॉर्म में, फुल फ्लेज फॉर्म में आपको आपके शरीर में अगर घुस रहा है तो वो आपको इन्फेक्ट करेगा। लेकिन यही कोविड को अगर हम बीमार बना दें, कोविड को बीमार बना दें, कोविड के कीटाणु जो है उसको एकदम अधमरा कर दे और फिर हमारे शरीर में डालें, तो यही होती है वैक्सीन। तो वैक्सीन क्या करती है कि अधमरा करके ये जो कोविड जो भी कीटाणु है उनको अधमरा करके हमारे शरीर में डालती है, जिससे कि हमारा शरीर उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ क्रिएट करता है। फिर जो एक्चुअल में जो वायरस है वो जब हमारे शरीर में आता है तो उससे लड़ने के लिए ऑलरेडी हमारी आर्मी क्रिएट हो चुकी होती है। तो ये होता है कन्वेंशनल वैक्सीन। लेकिन RNA वैक्सीन क्या होती है, जो वायरस है उसका पार्ट लेते हैं ओन जीन टू स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। कन्वेंशनल mRNA वैक्सीन जैसे कि फिजर हो गया, मॉडर्ना हो गया, ये mRNA का इस्तेमाल करते हैं जो स्पाइक है प्रोटीन कोरोना वायरस का उसको यहाँ पर इनकोड करने के लिए। तो मतलब अब क्या होगा, ये जो स्पाइक है उसमें वो बराबर घुस जाएगा, ठीक है। मतलब mRNA वैक्सीन जो है ये सेल को बताता है कि कैसे उसकी कॉपीज बनाना है स्पाइक प्रोटीन की, जिससे कि उसके जो स्पाइक है उस पर वो अटैच हो जाए, तो ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। देन उसका DNA RNA वैक्सीन जो है इसके बारे में बात हमने ऑलरेडी की है, DNA RNA क्या होता है। देन वन हेल्थ, वन हेल्थ में बेसिकली शॉर्ट में अगर बताऊँ तो सब कुछ है, इसमें एनिमल्स भी आते हैं ह्यूमंस भी आते हैं, वन हेल्थ अप्रोच, क्योंकि एनिमल्स की अगर तबीयत ख़राब होगी तो ह्यूमंस की भी तबीयत ख़राब होगी, जूनोटिक डिसीज जिसको कहा जाता है। तो यही है वन हेल्थ अप्रोच प्लान जो है ये यहाँ पर लाया गया है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर है कि हेल्थ चैलेंजेस जो है ग्लोबल रीजनल कंट्री लेवल पर सभी तरीके से यहाँ पर उसको टैकल किया जा सके, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। बाकी फर्स्ट एवर फंगल प्रायोरिटी जो पैथोजेंस लिस्ट है वो यहाँ पर निकाली गई है, रिलीज़ किया है फर्स्ट एवर फंगल प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट। तो अब ये लिस्ट इम्पॉर्टेंट हो गई, पहली बार निकाली गई है ना। तो यहाँ पर फंगल पैथोजन अगर देखा जाए, फंगल पैथोजन जो है मेजर थ्रेट होते हैं पब्लिक हेल्थ के लिए। मोस्ट फंगल पैथोजन जैसे कि रैपिड पैथोजन्स, ये सेंसिटिविटी अफोर्डेबल डायग्नोसिस ये नहीं हो पाता है उसमें, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, बीमारियां और तेज़ी से बढ़ जाती है। इसमें हमें सेलुलर और असेलुलर देखने को मिलता है, सेलुलर मतलब लिविंग, असेलुलर मतलब नॉन लिविंग। सेलुलर मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो पैरासाइट्स है ना, जैसे टेपवर्म हो गया, जो प्रोटोजोआ है, मलेरिया जो कॉज करता है, फंगस जो है जो फूट एथलीट फूट कॉज करता है, जो प्रोकैरियोट है जो लिप्रोसी कॉज करता है, एंड वायरसेस होते हैं कुछ वायरसेस, ये तब तक एक्टिव नहीं होते जब तक हमारे शरीर में वो अटैच ना हो जाए, तब तक मरे हुए होते हैं। जैसे एक्टिव अटैच हो गए वैसे एक्टिव हो जाते हैं, जैसे एड्स हो गया, HIV AIDS, तो ये वायरस से होता है,
है ना, तो इसकी एक लिस्ट जो है यहाँ पर निकाली। तो सेलुलर असेलुलर ये लिस्ट आपको पता रहना चाहिए, पार्ट रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। फोर क्लासेस जो है एंटीफंगल मेडिसिन के यहाँ पर करंटली अवेलेबल है, ठीक है। फंगस जो कॉमन इन्फेक्शन इंक्रीजिंगली रेजिस्टेंस टू ट्रीटमेंट, ये सब हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। फंगल पैथोजन लिस्ट अगर आप देखोगे तो क्रिटिकल ग्रुप है, हाई ग्रुप है एंड मीडियम ग्रुप है। तो ये नाम जो है ये भी आपको पता रहने चाहिए, बेसिकली आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं कि कौन से ग्रुप में आते हैं। देन फूड सेफ्टी, अगेन वही फालतू की बातें हैं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड इंडेक्स एनुअल निकाला जाता है ना। एम है कि भाई यहाँ पर सभी जगहों पर फूड सेफ्टी जो है उसको बढ़ाया जा सके। इंपॉर्टेंट है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लाई गई है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट जो है उसके तहत सभी मैकेनिज्म गाइडलाइन सब कुछ फूड सेफ्टी से लेकर रखा जा सके। राइस फोर्टिफिकेशन है, राइस फोर्टिफिकेशन बेसिकली यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसमें इम्पॉर्टेंट जो है राइस फोर्टिफिकेशन क्या होता है वो है प्रोसेस है एडिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू राइस। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है राइस में वो यहाँ पर ऐड किए जाते हैं, ठीक है। जब फोर्टिफाई किया जाता है उसमें मैंडेटरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहने चाहिए, ठीक है, ये सब रहने चाहिए, ये यहाँ पर बोला गया है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्नोलॉजी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट रेगुलर राइस में ऐड करना, उसमें डस्टिंग, कोटिंग एंड एक्सट्रूजन, फोर्टिफाइड कर्नल प्रोड्यूस करना, तो ये सब देखें। बेनिफिट्स काफ़ी सारे हैं, मल्टी न्यूट्रिशन हो जाता है ना, ये सब इम्प्रूव होती है न्यूरोनोटल हेल्थ, ये सारी चीज़ें। देन ओरल हाइड्रेशन सॉल्यूशन, यहाँ पर बेसिकली आप देखोगे तो जो महालवनीज हैं जिन्होंने पायनियर्ड किया है प्रॉपर प्रैक्टिकल इमरजेंसी यूज़ ऑफ ओरल हाइड्रेशन सॉल्यूशन, कॉमनली जिसको ORS भी कहा जाता है ना, मतलब डिहाइड्रेट हो जाते हो, मतलब इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो आपके जब जो समझ लीजिए आप थके हुए हो, थकने के बाद आपको ORS दिया जाता है ना, तो यही है वो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कि ORS आपको दिया जा रहा है। डायरिया जब होता है ना, तो ऐसे सिनारियों में भी काफ़ी सारी ORS जो है वो सब दिए जाते हैं। तो ये बेसिकली रेफ्यूजी कैंप्स जो है उस दौरान भी देखने को मिला था। तो ओरल हाइड्रेशन रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स अगर हम देखते हैं ORS, तो ये मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी देखने को मिलता है जो सॉल्ट हम कहते हैं, एंड कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ शुगर जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं। तो बेसिकली अगर आप पानी में खुद नमक और कार्बोहाइड्रेट दोनों इलेक्ट्रोलाइट और कार्बोहाइड्रेट डाल दो तो आप खुद ORS जो है वो बना लोगे। इसमें सॉल्ट जो है उसको रिप्लेस किया जाता है, वाटर जो बॉडी है जो डिहाइड्रेशन हुआ है उसको फिर से जगह पे लेकर आती है। इलेक्ट्रोलाइट जो है पोटेशियम सोडियम जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बेसिकली पता रहना चाहिए। देन उसके बाद डिसीजेज जो न्यूज़ में चल रहे हैं, ठीक है, वायरल डिसीजेज जो न्यूज़ में चल रहे हैं उसमें है मंकी पॉक्स। मैंने आपको कहा कि अलग से इस पर मैं वीडियो लाने वाला हूँ। मंकी पॉक्स सेटिस्फाइड रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ है ना, इमरजेंसी जो है वो देखने को मिली है, इसका आउटब्रेक देखने को मिला है। मंकी पॉक्स बेसिकली जूनोटिक है, जूनोटिक मतलब क्या, जो एनिमल से होती है, जो है एनिमल से होती है, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अफ्रीका में जो है देखने को मिला था। देन ह्यूमन जो पापिलोमा वायरस है HPV, ये एक वायरस देखने को मिला था। कंट्रीज फर्स्ट कोऑर्डिनेटेड ह्यूमन वैक्सीन जो है वो अप्रूव किया गया अभी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिट होता ही है, HIV से आप थोड़ा इसको कनेक्ट कर सकते हैं, सर्विकल कैंसर जो है वो कॉज करता है। देन उसके बाद यहाँ पर जो EBV है, एप्स्टीन बार वायरस, ये देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद जुम्बी वायरस जो है वो देखने को मिल रहा है, ये भी काफ़ी इमर्ज हुआ है, आपने कई जगहों पर देखा होगा, काफ़ी सारी फोटोज़ जो है वो यहाँ पर आई है जुम्बी वायरस से रिलेटेड। देन उसके बाद अफ्रीकन स्वाइन फीवर देखने को मिला है, जन मर्बर वायरस डिसीज़ जो है वो देखने को मिले हैं, है ना। तो ये सारे वायरस है, ये आपको पता रहने चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली आप देखोगे टोमेटो फ्लू, ये केरला, तमिलनाडु, हरियाणा, ओडिशा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीवर, जॉइंट पेन, रेड टोमेटो लाइक रैशेज जो है वो हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि टोमेटो की वजह से हो रहा है, वायरस से ये होता है। देन लंपी स्किन डिसीज़ जो है वो देखने को मिलता है ना, तो ये चीज़ है वेक्टर बॉर्न पॉक्स डिसीज़ ये होता है। देन उसके बाद यहाँ पर वाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर हमें पॉर्सिन वायरस देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके के अलग अलग जो डिसीजेस है, एवियन इन्फ्लुएंजा या फिर बर्ड फ्लू जो है वो भी काफ़ी वायरल डिसीज़ जो है वो देखने को मिला है। बाकी डिसीज़ अफ्रीका का फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन गावी ग्लोबल वैक्सीन अलायंस इनके सपोर्ट के द्वारा यहाँ पर लाया गया है। काला आजार जो है ब्लैक फीवर वो देखने को मिला है ना। फ्लाइज जो है वो इन्फेक्ट होते हैं बेसिकली, एंड देन उससे ही होता है, ट्रीटेबल है, क्यूरेबल है। इम्पॉर्टेंट इसमें होता है
कि ये जो मतलब जो भी बीमारी है वो वायरस से हो रही है, बैक्टीरिया से हो रही है, काय से हो रही है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। देन उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है या नहीं है, वैक्सीन है तो कौन सी वैक्सीन है, ये इम्पोर्टेंट होता है, और उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो हर बीमारी की ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं अलग वीडियो में लेकर आऊँगा। देन उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट ने कोई मेजर्स लिए कि काला आजार एलिमिनेशन लिए हैं, देन ट्रैकोमा, मालावी फर्स्ट कंट्री बनी है टू एलिमिनेट ट्रैकोमा, है ना। तो इंडिया ने 2017 में ही कर दिया था। ये इन्फेक्शन है आय का, ठीक है, बैक्टीरिया से होता है, कॉन्टेजियस होता है। देन डायबिटीज़ अगर हम देखते हैं तो डायबिटीज़ भी है। देन उसके बाद यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया जो है ये एक इम्पॉर्टेंट बीमारी देखने को मिलती है। बाकी पेन प्लस स्ट्रेटजी अफ्रीका ने अडॉप्ट किया है, पेन प्लस स्ट्रेटजी टैकल सीवियर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, जैसे मतलब जो कम्युनिकेट मतलब लोगों में स्प्रेड नहीं होते हैं, है ना, तो उसके लिए। तो ये पेन प्लस जो है रेफर किया जाता है एड्रेस सीवियर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस टू इंटीग्रेट आउट पेशेंट सर्विसेज, ठीक है, पेन प्लस। बाकी ये जो है बाकी इतना कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट इस पर हम जाते हैं डिफेंस पर। डिफेंस में कौन कौन सी चीज़ें हमने ली है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हमने मंगाए हैं, इंपोर्ट किए हैं, एक्सपोर्ट किए हैं, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसमें सॉलिड फ्यूल रामजेट टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। पहले DRDO के बारे में पता रहना चाहिए, डिफेंस रिसर्च डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये R&D विंग है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, ठीक है, मतलब इंडिजीनियसली जो हमको डेवलप करना है वो सब ये देखता है, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, ये स्टेट टू आर्ट वेपन सिस्टम जो है वो सब देखना, ये सब DRDO का काम है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड SFDR बूस्टर, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर जो है वो, तो ये क्या है, मिसाइल प्रोपल्शन सिस्टम है, मिसाइल को प्रोपल्केट करना, ठीक है, मिसाइल जो जाती है, ठीक है। तो ये पहला है, फर्स्ट फ्लाइट जो है डेवलप किया गया अंडर जॉइंट इंडो रशियन R&D प्रोजेक्ट, ठीक है, तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस अगर हम देखते हैं रामजेट क्रैमजेट और ड्यूअल मोड रामजेट में तो क्या क्या डिफरेंस है, तो रामजेट अगर आप देखोगे तो ये व्हीकल्स फॉरवर्ड मोशन कॉम्प्रेस जो है वो यूज़ करता है कंबशन के लिए, ठीक है। अब देखिए एक एक समझाने जाए तो एक एक का आधे आधे घंटे का बन सकता है, तो इसमें मतलब नहीं है, आपको मेन चीज़ें जो है वो समझनी है जो आपको एग्ज़ाम में पूछी जाएगी और उसका आपको जवाब देना है। तो ये बेसिकली क्या करता है, व्हीकल्स फॉरवर्ड मोशन टू कॉम्प्रेस इनकमिंग एयर, जो इनकमिंग एयर आ रही है उसको कॉम्प्रेस करने का काम करता है, ठीक है, जो रामजेट होता है। सुपरसोनिक स्पीड जो है 3 मैच तक अटेन की जा सकती है, एंड इफ़िशियंसी जो है ड्रॉप होना शुरू होती है एट हाइपरसोनिक स्पीड, ये कोई भी टर्बाइन जो है वो नहीं है जैसे टर्बोजेट में हमें देखने को मिलता है। बाकी अगर हम स्क्रैमजेट देखते हैं तो इफ़िशियंटली ऑपरेट करता है हाइपरसोनिक स्पीड पर, ये हाइपरसोनिक पर नहीं जा सकता है, ये हाइपरसोनिक पर जाता है, एंड अलाउ सुपरसोनिक कंबशन, इसमें हाइड्रोजन जो है वो एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेरिक एयर का ही यूज़ होता है, ठीक है, इसमें अलग से ऑक्सीजन नहीं लिया जाता है। और ड्यूअल मोड रामजेट अगर हम देखते हैं तो 4 to 8 रेंज तक ये जाता है, ये सबसोनिक सुपरसोनिक कंबशन मोड दोनों यहाँ पर ये अटेंड किए जा सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। बाकी इसमें अगर हम सिग्निफिकेंस देखते हैं DR टेक्नोलॉजी का, मतलब बेसिकली ये जो हम टेक्नोलॉजी यहाँ पर देख रहे हैं सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी, इसमें आपको मिसाइल जो है इंटरसेप्टर एरियल थ्रेड्स ये सब लॉन्ग डिस्टेंस से भी आ सकेंगे, लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल जो है इसमें ये हेल्प करता है, और लॉन्गर रेंज जो है वो ये सही तरीके से बना सकता है। बाकी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये आपको पता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है 2019 में अप्रूव किया गया था, हेड ऑफ आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों का होता ही है, 4-स्टार मिलिट्री ऑफिसर बन सकते हैं, एलिजिबिलिटी है कोई भी सर्विंग या रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है, एयर मार्शल है, वाइस एडमायरल है अंडर द एज ऑफ 62। कारगिल रिव्यू कमेटी ने या अलग अलग कमिटीज़ ने यहाँ पर प्रपोज किया था, 10 ईयर जो है मैक्सिमम 65 ईयर्स तक आप रह सकते हैं। देन उसके बाद रोल्स एंड पावर क्या है, हेड रहते हैं मिलिट्री और सेक्रेटरी एक्ट करते हैं, मतलब बेसिकली क्या है तीनों जो हमारे पास है वायु मिलिट्री एयर वायु लैंड, ये तीनों को यहाँ पर सही तरीके से काम कर सके, है ना, नहीं तो कोई समझ लीजिए कोई आतंकवादी घुस गया, अब मिलिट्री वाले को पता ही नहीं है कि एयर वाला कैसे काम करेगा, ठीक है, कहाँ से ये ले जा सकते हैं, इनकी कैपेबिलिटीज़ क्या क्या है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये एक लिंक का काम करता है सभी इसमें, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। GSAT-7 सीरीज सैटेलाइट ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रह्मोस ये इसके बारे में है कि भाई रिसेंटली फिलिपिन ने साइन किया है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस यूनिवर्सल लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है ये दो नाम से देखने को मिलता है। बाकी अगर हम देखते हैं तो अलग अलग मिसाइल्स यहाँ पर दिए गए, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल जो है अनमैंड होती है, सेल्फ प्रोपेल्ड होती है कि खुद चली जाएगी, है ना, गाइडेड व्हीकल होती है,
यहाँ पर अर्थ एटमॉस्फेयर के इसमें भागती है। ये बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी होती है इसकी एंड पावर्ड बाय रॉकेट इनिशियली एंड फॉलोड बाय अनपावर्ड फ्री फॉलिंग ट्रैजेक्टरी। एक बार छोड़ दिया भाई चला गया, जहाँ गिरना है उसको गिरेगा। जैसे हम बॉल फेंक रहे हैं, बॉल फेंक दिए जहाँ गिरेगा, ये हो गया बैलिस्टिक। एंड ये क्रूज मिसाइल मतलब क्या है, क्रूज़ किया जा रहा है। जैसे क्रूज़ कंट्रोल हम करते हैं ना गाड़ी में कि भाई अपने सेट किया कैसे जाना है, कितने स्पीड पे जाना है, वैसे ही ये सेट किया जाएगा गाइडेड, ठीक है। देन उसके बाद बाकी मिसाइल्स, अग्नि मिसाइल देखने को मिल रही है, सक्सेसफुल ट्रेनिंग अग्नि 3 का ये हमें देखने को मिला था। पेलोड ओवर 1.5 टन्स तक हो सकता है, ठीक है, 3000 किलोमीटर तक जाती है। बैकबोन है इंडियन न्यूक्लियर वेपन इसका। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये कंसीव किया गया है। S-400 है। इंडिया ऑन ट्रैक ऑफ सैंक्शन वेवर फ्रॉम US, है ना, रशिया से ये सिस्टम जो है खरीदना, मतलब रशिया से। मोबाइल लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल देखने को मिलता है, सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस से एयर में जा रही है। 4 डिफरेंट मिसाइल है ना इसमें, 400-250 किलोमीटर मीडियम रेंज, ये सब देखने को मिलता है। देन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसमें DRDO ने सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया। इंडिजीनियसली डेवलप लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसमें हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक जो है वो देखने को मिलता है। देन मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये जहाँ गाइडेड आ रहा है वहाँ गाइड करके लेके जाएंगे उसको, ठीक है। देन DRDO सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया, इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। अब कौन सा इंडिजीनियसली है, कौन सा कंट्री से लिया हुआ, ये यहाँ पर इम्पोर्ट रहता है। देन उसके बाद वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल है, ये आप देख सकते हो कहाँ कहाँ से लिया है, बस इतना इंपॉर्टेंट है किसने डेवलप किया है, इंडिजीनियसली किया है या फिर कहीं से लिया है। हेलिना जो है ये इंपॉर्टेंट है, इंडिजीनियसली डेवलप किया। हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, थर्ड जनरेशन, ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबिलिटीज़ में देखने को मिलती है। देन उसके बाद यहाँ पर आते हैं सबमरीन्स पर। सबमरीन्स अगर हम देखते हैं, 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है वो डिलीवर की गई है नेवी को। सबमरीन मतलब जो पानी के नीचे रहती है ना, तो इसमें भी अलग अलग सबमरीन शिप, बैलिस्टिक SNBN, ये अनडिटेक्टेबल लॉन्च प्लेटफॉर्म से जाती है, मतलब डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। इंटर कॉन्टिनेंटल है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी जाती है। स्पेसिफिकली स्टिल्थ के लिए, मतलब छुपके जो वार करती है उसके लिए, INS Ariane जो है ये इसका ये है। देन आती है SSN, ये आर्म्ड नॉन न्यूक्लियर वेपन देखने को मिलता है, इसमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं होती है। देन उसके बाद यहाँ पर डिजाइल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन होती है, डीजल इंजन से चलती है ना। ये इसमें हमें अलग अलग जो जर्मनी से ली गई है किलो क्लास वो देखने को मिलता है। बाकी इंपॉर्टेंट सबमरीन्स अगर हम देखते हैं तो उसमें INS विक्रांत है, PM कमीशन इंडियाज फर्स्ट इंजीनियसली एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, ये डिज़ाइन किया गया इंडियन नेवी डायरेक्टरेट के द्वारा। एंड 76 ऑफ मटेरियल जो है वो ऑनबोर्ड इंडिजीनियस लिया गया है। देन उसके बाद प्रोजेक्ट 15B, ये मोरबेगांव एंड सूरज शिप जो है रिसेंटली लॉन्च किया गया, कंटिन्यूस है कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर का, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ है, प्रोजेक्ट 17A है, प्रोजेक्ट 71 है, इंडियन नेवल शिप वक्शीर है। देन एयरक्राफ्ट ड्रोन हेलीकॉप्टर अगर हम देखते हैं तो ये अलग अलग जो हमने हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पर लिए हैं। तो इनका क्या इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ से लिए, अगेन वही कहाँ से लिए, इनके रेंज जो है वो क्या है, कहाँ तक जा सकते हैं। तो जैसे इसकी रेंज जो है 550 किलोमीटर है, एंड्योरेंस 3 आवर्स का है ना, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। और मोस्टली ऐसा होता है कि इसमें कोई भी अगर नेगेटिव एस्पेक्ट आए, ठीक है, नेगेटिव, तो वो गलत रहेगा ऑप्शन। ये एक इसकी ट्रिक है कि जब भी डिफेंस के इसमें कोई भी नेगेटिव ऑप्शन आए तो वो गलत रहेगा, क्योंकि हमारा जो डिफेंस है उसमें क्यों नेगेटिव कोई भी UPSC में चीज़ बताई जाएगी या पूछी जाएगी या पुट्रे की जाएगी, है ना। तो ये चीज़ है, इसमें खेला किस पे जाता है, रेंज पे, तो आपको 550 किलोमीटर 5500 किलोमीटर बोल दिया जाएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहता है। इंडिजीनियसली स्टिल्ट ड्रोन जो है वो देखने को मिलता है कि भाई छुपके वार कर रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर ये इंपॉर्टेंट है, US से लिया हुआ है, ये काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है। तेजस मार्क 2 ये सब है। देन मिसलिनियस डर्टी बॉम्ब, रशिया यूक्रेन डर्टी बॉम्ब प्लान कर रहे हैं। डर्टी बॉम्ब जो है बॉम्ब होता है जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो यहाँ पर होते हैं, यूरेनियम, जो कि मतलब ऐसे ही कचरे में से निकाले गए हैं, है ना। इसमें हाई रिफाइंड रेडियो एक्टिव मटेरियल जो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, रेडियो एक्टिव मटेरियल हॉस्पिटल से, न्यूक्लियर पावर, मतलब जो भी फेंके गए हैं, जो इतने काम के नहीं थे वहाँ से लिए गए हैं, चीपर होता है, जल्दी बनता है, ठीक है। तो ये डर्टी बॉम्ब होता है। देन ये सब है अभ्यास, ये देन हाई एनर्जी लेजर सिस्टम, बटरफ्लाई माइंस, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद अल्टरनेटिव एनर्जी आती है, अल्टरनेटिव एनर्जी में न्यूक्लियर फ्यूजन,
न्यूक्लियर फ्यूजन अगर आप देखोगे तो बेसिकली फ्यूजन फ्यूजन इसमें भी आपको फ़र्क जो है वो पता रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है न्यूक्लियर फ्यूजन वर्सेज न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस, मतलब स्प्लिट हो रहा है, न्यूक्लियस जो है दूर भाग रहा है। फ्यूजन मतलब क्या होता है? कंबाइंड हो रहा है, एक साथ आ रहा है, ठीक है। ये कॉमन नहीं होता है, ये कॉमन होता है एक साथ आना। हाई स्पीड न्यूट्रॉन चाहिए होता है, इसमें हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर चाहिए होता है, तब फ्यूजन होगा। हाई एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन है कि प्रोसेस बाय विच टू लाइट एटॉमिक न्यूक्लिया कंबाइंड हो रहे हैं टू फॉर्म सिंगल हेवियर हेलियम, ठीक है। दो अलग अलग आ रहे हैं, साथ में आ रहे हैं और एक बड़ा बन रहा है, तो यही चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, फ्यूजन और फ्यूजन में डिफरेंस जो है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। बाकी यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस जो है ये सब आपको मेंस के लिए काम आते हैं। बाकी इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट है, सदर्न फ्रांस में है, कौन बना रहा है? 35 नेशंस बना रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया। तो टोकामक ये मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस है, तो इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है वो देखने को मिल रहा है, इसमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है ये आपको पता रहना चाहिए। पीस ऑर्गेनाइजेशन 1975 विद इन यूनाइटेड नेशंस, ये 175 मेंबर है, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, ये आपको पता रहना है। बाकी कुछ एग्जाम में पूछने लायक इसमें से कुछ भी नहीं है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ जितना अभी तक हुआ, ये बाकी के आगे के ना कुछ खास नहीं है, क्योंकि हाइपर लूप सिस्टम ये काफ़ी टाइम से चलता रहा, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है इस पर, और पूछेंगे भी क्या, ये मेंस में पूछने लायक क्वेश्चन होते हैं, ये इसमें पूछने लायक कुछ नहीं होते। तो यहाँ पर हाइपरलूप टेक्नोलॉजी है क्या? बस टेक्नोलॉजी के ऊपर आ सकता है, बाकी इसमें स्टेटमेंट वेटमेंट नहीं आ सकते। तो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी या वैक्यूम ट्रेन जो है वो बनाना है, एक वैक्यूम बना दिया गया, उसमें ट्रेन चल रही है, एकदम फास्ट स्पीड से चलती है, उस पर ये चीज़ देखने को मिल रही है। लिथियम आयन बैटरीज जो है ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें आप देखोगे तो बेसिकली लिथियम आयन बैटरीज जो है फैमिली ऑफ रिचार्जेबल बैटरी टाइप है। फोर कंपोनेंट इसमें हमें देखने को मिलते हैं, एनोड कैथोड सेपरेटर एंड एक्वियस इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। एनोड कैथोड सेपरेटर एक्वियस इलेक्ट्रोलाइट, तो ये देखने को मिलते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है? एडवांटेजेस हाई स्पेसिफिक चार्ज डेंसिटी, हाई वोल्टेज, हाई डेंसिटी, लो सेल्फ डिस्चार्ज, थर्मल रन अवे, लेस स्टेबिलिटी एंड लो लैक ऑफ अवेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी ये आपको खेल सकता है कि यार नई टेक्नोलॉजी है, अच्छी है, इसमें कैसे क्या स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी इसमें कम होती है, ठीक है। लिथियम लाइटेस्ट सॉलिड मेटल है, करंटली हार्ड रॉक और ब्राइन माइन से लिया जाता है, ऑस्ट्रिया जो है बिगेस्ट सप्लायर है। एंड लिथियम इंडिया में अगर हम देखते हैं कर्नाटका के मध्य डिस्ट्रिक्ट जो है, ज्योग्राफी में आपको पूछते हैं है ना, तो ये इम्पॉर्टेंट है, चाइना हांगकॉन्ग बिगेस्ट सप्लायर है इंडिया के लिए। तो बाकी अगर हम देखते हैं तो ये आप खुद से भी देख सकते हैं। बाकी फ्लेक्स फ्यूल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने लॉन्च किया है, पहला ऑफ इट्स काइंड पायलट प्रोजेक्ट ऑफ फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में। तो फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल क्या है? इसमें इंटरनल कंबशन इंजन बट इंस्टेड ऑफ रेगुलर पेट्रोल ये ब्लेंडेड फ्यूल पे भी चल सकता है, मतलब पेट्रोल को ब्लेंड करना इथेनॉल के साथ या मेथेनॉल के साथ, तो वो है फ्लेक्स फ्यूल, मतलब पेट्रोल को ब्लेंड करना है इथेनॉल या फिर मेथेनॉल के साथ, ठीक है, मतलब पेट्रोल पूरा नहीं लगेगा, है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। नो बल्कि पार्ट्स, इसमें कोई बल्कि पार्ट्स की जरूरत, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी अगर है तो न्यू टेक्नोलॉजी जो है प्रीवियस इससे एडवांस रहेगी, ठीक है, ये चीज़ इसकी हमें देखने को मिलती है। लेस पोल्यूटिंग है शुगर, ये सब चैलेंजेस क्या क्या है? एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सप्लाई जो है वो उसमें इशू आता है ना। देन अल्टरनेटिव फ्यूल अ कंपैरिजन सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस क्या क्या है? अल्टरनेटिव फ्यूल इथेनॉल एज अ फ्यूल, फ्लेक्स फ्यूल, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, बायोडीजल, इलेक्ट्रिसिटी एंड नेचुरल गैस, इसके अलग अलग दिए हुए हैं। एथेनॉल एज अ फ्यूल रिन्यूएबल है, ड्रास्टिकली प्रोड्यूस किया जाता है, हायर ऑक्टेन नंबर है इसका, है ना, लेकिन अवेबिलिटी जो है उसमें काफ़ी कमतरता आती है, डैमेज जो है वो यहाँ पर इंजन को हो सकता है, इकोनॉमिकली जो है काफ़ी प्रॉब्लम। देखिए न्यू टेक्नोलॉजी के ना कुछ खासियत है, न्यू टेक्नोलॉजी जो भी है उसमें खासियत ये है कि प्रीवियस इससे सब में बेटर रहेगी, जो उसमें प्रॉब्लम्स है ना, जिसमें रॉन्ग क्वेश्चन इनकरेक्ट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, वो यही है कि कॉस्ट उसकी ज़्यादा रहेगी, जो अवेबिलिटी है वो उसमें शॉर्टेज आ सकती है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर जो मतलब नेचर है उसमें कुछ डैमेज जो है वो किया जा सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत चांसेस है। तो कॉस्ट जो है वो तो हमेशा ध्यान में रखना ज़्यादा ही रहेगी, ठीक है। तो फ्लेक्स फ्यूल अगर आप देखोगे तो बेटर इकोनॉमिकल मिलेगा, बेनिफिट एनवायरमेंट लेस कम्पेयर टू बैटरी ईवी, ठीक है, बेनिफिट फॉर द एनवायरमेंट इज़ लेस एज कम्पेयर टू बैटरी ईवी।
एंड देन हाइड्रोजन एज अ फ्यूल अगर हम देखते हैं तो डोमेस्टिक रिसोर्सेज पोटेंशियल टू नियर जीरो ग्रीन हाउस इमिशन, नियर जीरो। और हमेशा ध्यान में रखना, कुछ भी एक्सट्रीम अगर आता है कि भाई ग्रीन हाउस गैसेस को पूरा खत्म कर दिया, ये कहीं पर भी लागू नहीं होगा। स्टोरिंग हाई डिफिकल्ट है, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट है, बायोडीजल लीन बर्निंग रिन्यूएबल सब्सटीट्यूट है, सेफर है ना। देन उसके बाद फ्यूल इकोनॉमी इंप्रूव होगी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग स्टेशन का प्रॉब्लम है, नेचुरल गैस डोमेस्टिकली अवेलेबल है, लेकिन और प्रॉब्लम वही आता है सब एक्सेसिव हो जाएगा। फ्यूल सेल, फ्यूल सेल पर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो अब पूछा गया है तो यहाँ पर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च याद कर लो, ऑटोनॉमस बॉडी है, 1942 में इस्टेब्लिश की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में, कटिंग एज R&D नॉलेज है ना। प्रेसिडेंट कौन होते हैं CSIR के, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। मिशन क्या है, इनोवेटिव एंड ट्रांजिशनल रिसर्च जो है वो सब होनी चाहिए, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी फ्यूल सेल अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डू नॉट नीड टू बी पीरियडिकली रिचार्ज्ड, ठीक है। अब इसमें स्टेटमेंट बनाया जा सकता है रॉन्ग स्टेटमेंट कि पीरियडिकली रिचार्ज करना इसको ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन एडवांस नई टेक्नोलॉजी क्यों करना पड़ेगा, है ना। सोर्स ऑफ हाइड्रोजन जनरेटर फ्यूल फ्रॉम दिस फ्यूल इन नेम एप्लीकेशन ट्रांसपोर्टेशन सभी में आता है। चैलेंजेस क्या क्या है, चैलेंजेस ट्रांसपोर्टेशन का है, फ्लेमेबिलिटी का है ना, कॉस्ट का है, जो मैंने आपको बोला वही सारे चैलेंजेस हमेशा हर इसमें रहते हैं। गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं, ठीक है, ये चीज़ देखने को मिल रही है। बाकी अगर हम देखते हैं बाकी इंपॉर्टेंट न्यूज़, रोशनी इंडिया का पहला सेलाइन वाटर हमें देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोलाइट मिशन इनोवेशन है, लॉन्च किया गया बायो रिफाइनरी मिशन ग्लोबल कैटलाइज एक्शन के लिए। देन उसके बाद बाकी अवार्ड्स एंड प्राइजेस है, यहाँ पर अवार्ड्स एंड प्राइजेस। अब इसमें समझाने लायक तो कुछ नहीं है, आपको खुद को पढ़ना है। नोबेल प्राइजेस जो है केमिस्ट्री में, यहाँ पर प्राइज़ अवार्ड किया गया है केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री में, यहाँ पर प्राइज़ जो है यहाँ पर बेटोजी USA के हैं, मिडल डेनमार्क के हैं, एंड यहाँ पर शार्पलेस USA के हैं, इनको यहाँ पर दिया गया है। सेकेंड नोबेल प्राइज़ है केमिस्ट्री में शार्पलेस के लिए, ठीक है, फर्स्ट प्राइज़ 2001 में जीता था उन्होंने, एंड फिफ्थ पर्सन है टू रिसीव नोबेल प्राइज ट्वाइस, मैडम क्यूरी इनके 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 बाद, ठीक है। तो ऐसा अगर आया ही इज़ दी फर्स्ट टू रिसीव, ये पहला कोई भी नहीं है, सेकंड है, ठीक है, पहला कुछ भी नहीं है, ये ध्यान में रखना, इस बार पहला कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये हमें देखने को मिल रहा है, क्लिक केमिस्ट्री बेसिकली इसमें मिला हुआ है, ये आप पढ़ लेना। देन उसके बाद फिजिक्स में अगर आप देखोगे तो इनको मिला हुआ है फ्रांस के, USA के, ऑस्ट्रिया के हैं, एस्पेक्ट क्लॉस्टर एंड जिलिंगर, तो इनको यहाँ पर मिला हुआ है, क्वांटम एक्सपेरिमेंट के लिए मिला हुआ है, इसलिए क्वांटम जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्वांटम के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर साइकोलॉजी जो है मेडिसिन इसमें मिला हुआ है, DNA इवोल्यूशन, अगेन DNA के बारे में भी हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है, कंसर्निंग जीनोम ऑफ एक्सटिंक्ट एंड ह्यूमन इवोल्यूशन यहाँ पर पढ़ने के लिए, तो सिक्वेंस किया हुआ है, जीनोम सिक्वेंसिंग इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना यहाँ पर, जो मैंने आपको बोला है। तो यहाँ पर NDNA वर्सेस MT DNA, तो यहाँ पर न्यूक्लियर DNA NDNA जो है ना, न्यूक्लियर DNA फ्रॉम ऑल एंसेस्टर्स, जो न्यूक्लियर DNA है वो सारे एंसेस्टर्स से आता है, ये लीनियर शेप इसका होता है, इसमें से ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो कंसिस्ट ऑफ सेल्स जीनोम जिसमें MDNA होता है, 97% बेस पेयर बनता है, रेप्लीकेट करता है यहाँ पर क्रिएशन के लिए। वही माइटोकॉन्ड्रियल DNA अगर हम देखते हैं MT DNA, तो इनहेरिटेड फ्रॉम ऑल एंसेस्टर्स, ठीक है, इसमें कोई फ़र्क है नहीं है, दोनों सेम है। लीनियर होता है ये, अलग ही माइटोकॉन्ड्रियल इसमें देखने को मिलता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम होते हैं, ठीक है, इसमें भी डिफरेंस है, इसमें भी डिफरेंस है। ये 0.25% बेस पेयर होता है, ठीक है, ये 99, ये ज़्यादा कौन सा है, न्यूक्लियर वाला, ठीक है, रेप्लीकेट इनडिपेंडेंटली रेप्लीकेट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाती है। देन उसके बाद नेक्स्ट इस पर जाते हैं, मिसलिनियस टॉपिक पर, तो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, तो ये इंपॉर्टेंट है, फाउंड की गई थी 1954 में, रिसर्च सन आर प्रोबिंग फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स, इंडिया जो है एसोसिएट मेंबर है, फंडामेंटल फिजिक्स जो है उसके बारे में स्टडी करना, लार्ज हैड्रॉन कॉरिडोर जो है ये ऑलरेडी कई बार आपने देखा हो, कई सालों से चल रहा है ये, ठीक है, इसके बारे में। देन आचार्य जगदीश चंद्र बोस JC बोस, मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज किया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑकेजन 164th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियन साइंटिस्ट आचार्य जगदीश चंद्र बोस, ठीक है, ये इंडियन फिजिस्ट थे, आपको जो मतलब बेसिकली जो भी महान व्यक्ति है उनके उनको पहचानने के बारे में आता है, तो इंडियन फिजिस्ट थे एंड प्लांट साइकोलॉजिस्ट थे,
ठीक है, इंडियन फिजिस्ट एंड प्लांट साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने बोस इंस्टीट्यूट जो 1917 में फॉर्म किया था ब्रिटिश काल में, ठीक है, एशिया फर्स्ट मॉडर्न रिसर्च सेंटर माना गया है। ऑटोनोमस ग्रैंटिनेड इंस्टीट्यूशन बन गया है, तो ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। फिजिक्स में काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन उनका रहा है, किस फील्ड में रहा है ना, इनको फर्स्ट साइंस फिक्शन राइटर भी कहा जाता है बंगाली में। ऑथर रहे हैं कहानी के, निरुद्देशर कहानी, स्टोरी ऑफ मिसिंग वन, ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी इसमें अगर आप देखोगे तो रिसर्च ऑन मिलीमीटर वेव, मिलीमीटर वेव जो है उसमें यहाँ पर रिसर्च किया है, माइक्रोवेव डिवाइसेस, तो ये इस पर रिसर्च की गई है, ठीक है। देन उसके बाद मिस्ट्री पार्टिकल फाइंडिंग, रिसेंटली साइंटिस्ट ने फाउंड किया है फंडामेंटल पार्टिकल डब्ल्यू बेसोन, ठीक है, डब्ल्यू बेसोन जो है वो देखने को मिल रहा है, सिग्निफिकेंट ग्रेटर मास है इसका स्टैंडर्ड मॉडल, न्यू फंडामेंटल इंग्रेडिएंट है, बाकी कुछ खास नहीं है। बाकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर आप देखोगे तो ये आप खुद से पढ़ सकते हो, जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर हुए हैं। मिसलिनियस टॉपिक में ग्राफीन जो है ये इंपॉर्टेंट है, नैनो एंड सॉफ्ट साइंस डेवलप ग्राफीन स्टेबलाइज्ड ट्यूनेबल फोटोनिक क्रिस्टल, ठीक है, ट्यूरेबल है, बेटर रिफ्लेक्टिविटी डिवाइस ये देखने को मिलता है, थीनेस्ट कंपाउंड है ऑटोमिक इसमें। देन ये सारी चीज़ें जो है वो आप खुद से देख सकते हैं। बाकी इस तरीके से हमारा पूरा जो PT 365 है काय का साइंस एंड टेक का वो कंप्लीट हुआ है। जो इम्पोर्टेंट है वो सारे मैंने आपको अच्छे तरीके समझा के बताए हैं, बाकी आपको एक बार रिवाइज जो है वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट कौन सी PT 365 आपको चाहिए ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बाकी शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।